आवाज आ रही है जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप तक में जहां हम सभी टीचर मिलकर आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे और मेरे भाई आज की क्लास इतनी गजब बेहतरीन लाजवाब होने वाली है ना आप ये कह दोगे कि सर मजा आ गया क्या कह जाओगे कि सर मजा आ गया मेरे भाई पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज आज खत्म होगा कल मेरे भाई टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस खत्म होगा फिर बोट एंड स्ट्रीम और पाइप एंड सिस्टम हर दिन दो दो चैप्टर करते हुए जल्दी से जल्दी चीजों को निपटा दूंगा और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने मतलब आपका यहां से बाहर से आ जाए जो पढ़ा दूंगा इसमें से ही सेम टू सेम रखा का रखा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका सबसे पहला जो फर्ज बनता है वो ये बनता है कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से सभी ग्रुप्स में कोई भी आपका यार दोस्त चाहने वाला हो उसके पास क्लास को शेयर कर कर आ जाइए आज जो मजा आएगा वो आपको आज तक कभी नहीं आया था बिल्कुल ऐसे लेकर चलूंगा और दो तो स्पीड के लिए मत कहना मैं अपने आप तीन चार घंटे लेकर अपना पूरा पढ़ा दूंगा ठीक है इसकी दिक्कत मत लेना कि सर स्पीड कम है या ज़्यादा जहां मुझे लगेगा कि बिल्कुल समझा कर चलना है तो मैं समझा के चलूंगा जहां मुझे लगेगा कि हाँ अब स्पीड की बिल्कुल जरूरत है मैं अपने हिसाब से चलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आपके दिमाग में हर एक क्वेश्चन डालना है एग्जाम से पहले ठीक है और प्रेशर नहीं क्वेश्चन डालना है तो एक बार जल्दी शेयर कर भाई जल्दी से स्पीड में ऐसे काम नहीं चलेगा बस इतने से बच्चे अरे यार मतलब जोश और जज्बा कहा गया तुम्हारा और मैं हमेशा कहता हूं मेरे भाई विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए मेरे बब्बर शेरों से विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए ऐसे वैसे तो बहुत से चैनल मिल जाएंगे जो आपको मतलब परेशान करके रखते हैं पढ़ाने के नाम पे बेवकूफ बना रहे होंगे परंतु परंतु संकल्प या टॉप तक अकेला काफी है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तो देखिए आज की क्लास को आगे हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है कि मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं सभी टॉप तक में प्राइस आपको सभी का पता है ठीक है और साथ में आज रोज खेलो रोज जीतो वाली जो एक लाख वाली इनाम वाली प्रतियोगिता उसे भी आज पक्का खेलने वाले हैं कल थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा ये हो गया था कि बच्चे मैच से ज्यादा कुछ देखते ही नहीं है आज मुझे पता है कि अब तो मैच ही नहीं है अब तो पढ़ाई करो ये करो तो आज मैं ये भी खिलाऊंगा एंड में एंड में क्या मतलब आधे घंटे बाद ठीक है और साथ ही साथ ये तो पुरानी बच्चे लगा दिए इन्होंने शायद या फिर आज फिर से ये बच्चा जीत गया क्या नाम है श्वेता तो मेरे भाई टू डेज मैथ क्यूज विनर तो आप ऐप पर जाओ जब भी डेली कोई क्यूज जीतता है उसकी फोटो लगा दी जाती है शायद ऐसा हो सकता है यही बच्चा फिर से क्यूज जीत गया हो इसलिए फोटो लगा दिए कल को आपकी भी हो सकती है और मुद्दा क्या है आपको टॉप तक ऐप पर जाना होगा अभी नहीं कि अभी जाए, क्यूज लग जाओ। क्यूज का टाइम है ले लो। ये यहां पर कोई भी डाउट हो भेज सकते हो और ये टॉप तक फेसबुक पे जुड़ सकते हो इंस्टा पे आ जाओ मेरे भाई ये नंबर है कोई भी कोर्स खरीदते समय जैसे पेमेंट करने कुछ भी हो तो मैसेज कर सकते हो अब आ जाओ बहुत आराम आराम से चलने वाले हैं क्वेश्चन हैं पर क्वेश्चन से पहले मैं आपको क्या कराऊंगा आज ही आज के एक दिन में चार से पांच घंटे क्लास लूंगा ठीक है चाहे बच्चा आए मतलब जो पढ़ने वाला है वो तो मुझे पता आ चुका है बहुत बढ़िया मेरे भाई बहुत बढ़िया अब एक बार शेयर कर दो यार जल्दी से और एक बार वीडियो को लाइक कर दो एक बार जल्दी से, से शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ठीक है आ जाओ आज हम करने वाले हैं ऐसा है। टॉप तक की टी शर्ट नहीं है तो ऐसा तो नहीं लग रहा तुम्हें तो कि मैं ही पढ़ा रहा हूं कोई और पढ़ा रहे हैं मतलब वो थोड़ी सी धोने दो, को रख दी थी और सर्दियों मतलब वैसा टाइम आ गया ना तो सूख ही नहीं पाई ठीक है तो मैंने सोचा राजा बाबू बन के चल लेते हैं आज ठीक है आ जाओ तो मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं आज बिल्कुल आराम से लेकर चलूंगा चीजों को चक्रवृद्धि ब्याज बहुत मजा आने वाला है इसके बाद पढ़ेंगे हम इसी क्लास में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आप ये कह जाओगे सर आज तक ऐसा कभी नहीं पढ़ा था इतना गजब और मजेदार तरीके से पढ़ाने वालों देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ परसेंटेज होती हैं उन्हें एक बार कॉपी में लिख लीजिए तभी आप थोड़ा सा स्पीड में मेरे साथ चल पाओगे ठीक है 90 परसेंट बच्चे जो पुराने होंगे मेरे साथ उन्हें तो पता होगा पर जिसको नहीं पता 90 क्या शायद ऐसा भी हो सकता है बहुतों को ना पता हो तो एक बार लिख लेना लो आ जाओ देखिए आपको ये पता है कि कहीं पर भी अगर कोई फ्रैक्शन लिखी है तो नॉर्मल सी चीज है उसके साथ सौ की मल्टीप्लाई करते हैं प्रतिशत बदलने के लिए तो दो से किस पर जाएगा पचास पर तो मेरे भाई वन बाई टू को प्रतिशत में बदला गया मल्टीप्लाई करके तो ये 50 आ चुका है ठीक है? है, है? मेरे भाई कोई भी चीज प्रतिशत में बदलनी है तो उसके लिए सोखी मल्टीप्लाई करनी होगी इसी तरह से अगर मैं को फ्रेक्षन में, फ्रेक्षन कि मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूं सरलीकरण तो प्रतिशत हटेगा नीचे सौ आ जाता है एक जीरो से एक जीरो पांच से एक पर पांच से दो पर ये आ गया एक बटे दो यानी दोनों ही चीजें हैं इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो ये और इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो मेरे भाई एक बटे दो आ जाएगा अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है कि परसेंटेज हटाने पर सौ ही क्यों आता है ये सारी चीजें मैं परसेंटेज प्रतिशत में पढ़ा चुका हूं यहां मैं डायरेक्ट आपको कुछ परसेंटेज लिखवा रहा हूं उन्हें एक बार लिख लीजिए मुझे पता है आपको आते होंगे बट एक बार कॉपी में लिख लो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिसको नहीं पता उसे कोई दिक्कत आए क्योंकि सभी पास कराने हैं मुझे तो जल्दी जल्दी लिख लेंगे थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट वन बाय फोर सभी को पता होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है इसको कॉपी में उतार लो वन बाई सिक्स सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट वन बाय सेवन फोर्टीन टू बाई सेवन परसेंट ठीक है वन बाय एट बारह से एक बटे दो प्रतिशत थोड़ा छोटा कर लो ज्यादा बड़ा वन बाय नाइन इलेवन वन बाई नाइन परसेंट ठीक है वन बाय इलेवन नाइन वन बाय इलेवन परसेंट वन बाय ट्वेल्व एट वन बाय थ्री परसेंट इन सभी को उतार लीजिए वन बाय ट्वेंटी 5% 1/25 4% 3/8 होता है मेरे भाई 37 1/2% और 4/7 होता है 57 1/7% ठीक है मुझे लगता है ये चीजें आपको मैंने पहले भी बहुत बार पढ़ा चुका हूं तो मैं यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा सिंपल जिसे नहीं पता एक बार कॉपी में लिखकर कर चल लो और जिसे याद है और कुछ इनमें से नहीं आती तो एक बार कॉपी में लिख लो क्योंकि आज चार पांच घंटे क्लास चलेगी तो ये कॉपी में आपके लिखे होने चाहिए अब देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूं मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बेसिक तो मैंने परसेंटेज पढ़ा रखा बट यहां पर जितना पढ़ाऊंगा जितना समझा रहा हूं उतना समझ कर चलना कभी भी एक बटे तीन को पूछा जाए प्रतिशत में क्या होगा तो सो मल्टीप्लाई कर लो या विदाउट सो मल्टीप्लाई करे भी आप डायरेक्ट कह सकते हो कि भैया तेतीस से एक बटे तीन प्रतिशत निकल कर आएगा अब जो बात समझा रहा हूं वो समझना कभी भी कहीं पर किसी क्वेश्चन में थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट लिखा आ गया तो आप डायरेक्ट उसे फ्रैक्शन में एक बटे तीन कह सकते हो क्योंकि यह दोनों बराबर हैं अब आप कहो सर यह तो देखने में भी बराबर नहीं लग रहे बराबर हो कैसे गई मेरे भाई देखो बराबर ऐसे हो गए 33 तीन निन्यानवे और एक सौ बटे तीन यहां प्रतिशत लिखा था प्रतिशत का मतलब होता है हटाते ही नीचे क्या जाता है सौ तो जैसे ही जीरो से जीरो तो ये कितना आ गया? एक बटे तीन इन द एंड इसे जब सिंपलीफाई सरलीकरण किया गया तो ये इसी में बदल गया है अब जो बात समझा रहा हूं उस पर फोकस करना कभी भी कहीं पर भी कोई इस तरह से फ्रैक्शन दी गई है तो हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होती है जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका इतना प्रतिशत हिस्सा आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप छूटते क्या कहोगे इस नीचे वाली वैल्यू का इतना प्रतिशत हिस्सा ऊपर वाली वैल्यू होगी यह नहीं है एक होगी जो ऊपर लिखा है वो होगी आप कहोगे कि सर हंड्रेड परसेंट हम कैसे माने तो आप देखो ऐसे समझो तीन का तेतीस सही एक बटे तीन प्रतिशत कितना होगा तो आपको अभी अभी बताया है कि 33 सही एक बटे तीन प्रतिशत को सोल्व करोगे तो एंड रिजल्ट एक बटे तीन मिलेगा यानी इसको हम एक बटे तीन भी लिख सकते हैं तीन से तीन कट जाएगा और हमें पता चला कि तीन का इतना प्रतिशत एक निकल कर आया वही सेम चीज मैं कह रहा हूं कि हमेशा किसी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन आपके सामने है तो उसके नीचे वाली वैल्यू का इतना प्रतिशत ऊपर वाली वैल्यू निकल कर आएगी यानी अगर मैं कहूं छे का सोलह सही दो बटे तीन प्रतिशत तो एक सेवन का फोर्टीन टू बावन परसेंट तो एक आप कहोगे सर आ तो हर बार एक रहा है देखो अगर मैं कहूं कि आठ का सैतीस दो प्रतिशत तो कितना निकल कर आएगा तीन निकल कर आएगा क्यों क्योंकि जो चीज ऊपर लिखी है वह निकल कर आ जाता है अब यह बात मैं समझा क्यों रहा हूं जबकि ये बातें तो बहुतों को पता होंगी जिनको नहीं पता उनके लिए समझा रहा हूं और अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ पाओगे मैं क्यों कह रहा हूं ये सारी चीजें देखो अगर मैं किसी दिन किसी बच्चे से कहूं आप में से कि भाई साहब आप में से कोई मुझसे कुछ रुपए उधार लेने आया मैंने कहा जी ले लाओ मैंने आपको छे रुपए उधार दे दिए कितने रुपए उधार दिए छह रुपए उधार दे दिए और आपसे कहा कि मुझे इतना प्रतिशत हिस्सा ब्याज का चाहिए भाई साहब पैसा ले जाओ पैसा लेने में दिक्कत नहीं है पर मेरा क्या प्रॉफिट तो आपने कहा जी बताओ क्या लोगे मैंने कहा जी छे रुपए पर इतना प्रतिशत ब्याज लूंगा यानी छे का इतना प्रतिशत सीधा सीधा मैं एक रुपए का ब्याज आपसे लूंगा यह कह सकता हूं कि छ रुपए दूंगा तो एक साल में आपसे एक रुपये ब्याज लूंगा या फिर यह कह सकता हूं छह रुपए दूंगा और एक साल बाद अगर आपके पास गया तो मैं छह की जगह आपसे सात रुपए टोटल वापस लूंगा यानी इस रेट के हिसाब से मेरे छे रुपये एक साल में सात बन जाते हैं बस यही चीज आपको समझनी थी अब एक क्वेश्चन पर आ जाइए अरे कहां है क्वेश्चन लीजिए एक सेकंड रुकेंगे हाँ भाई लीजिए आ जाइए अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे अब आप कहोगे सर फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा अभी तो तुम आराम आराम से चलते चलते कब कब स्पीड बढ़ जाएगी मेरी नहीं तुम्हारी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ठीक है देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कुछ रुपए उधार दिए गए देखिए जो भी पैसा उधार दिया जाता है उसे हिंदी में मूलधन कह देगा या सिंपल कह देगा कुछ धन किसी धन पर और इंग्लिश में कह देता उसे प्रिंसिपल तो जो रुपए उधार दिए गए उसे कहते हैं प्रिंसिपल मूलधन अब पूरे क्वेश्चन में मुझे नहीं पता कि कितने रुपए हमने उधार दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है तो ब्याज तो लेना ही लेना तय है आज के समय पर कोई भी मुफ्त में सेवा नहीं कर रहा और ऊपर से जब चैप्टर ही ब्याज का है तो ब्याज तो ली जाएगी और ब्याज का रेट क्या चल रहा है मेरे भाई तैतीस सही एक बटे तीन प्रतिशत अगर कोई भी यार दोस्त ऐसा हो है आपका जिसे बिल्कुल नहीं आता तो आज इस क्लास में छोड़ देना शेयर करके वो ये कह जाएगा कि बहुत मजा आया और थैंक यू कहेगा आपको ठीक है तो मेरे रेट परसेंट दर प्रतिशत कितनी है तेतीस क्वेश्चन के अंदर समय की अगर बात करें तो दो साल दे रखा है टाइम यानी समय और आपसे पूछ क्या रखा है प्रिंसिपल पूछा हुआ है और कुछ दे रखा है दे रखा है मिश्रधन अमाउंट जो पैसा हमें वापस मिलेगा ध्यान रखना अमाउंट यानी जो हमें वापस मिलने वाला है और क्वेश्चन कह रहा है पैसा वापस कितना मिलेगा हमें सिक्स फोर डबल जीरो थोड़ी देर के लिए आंखें से हटा लो आपको ना जो सबसे मेन चीज यहां गिवन है आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसकी परसेंटेज फोकस करेंगे इस प्रतिशत की फ्रैक्शन क्या होती है एक बटे तीन अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता अभी अभी पीछे लिखवाइए ना अगर जो अभी अभी आया बच्चा तो एक बार जाके पीछे उसे कॉपी में उतार लो नकल मार लेना कोई दिक्कत नहीं है किसी को याद नहीं है तो और याद है तो बहुत बढ़िया है तो सही एक बटे तीन है यानी एक बटे तीन। अब जो पैसा मैंने दिया है सामने वाले को वो मुझे पता ही नहीं है क्यों उसके बारे में क्वेश्चन में जिक्र ही नहीं है और ना ही आपको पता तो बचपन में हम क्या मान लेते थे प्रिंसिपल को पी मान लिया भाई जो पैसा नहीं दिया उसे पी मान लो पर हमने जो भी सीखाया आज तक ये सीखा है मानना ही है तो कोई वैल्यू क्यों ना मानो तो मैंने एक वैल्यू मान ली मैंने मान लिया कि अगर मैं किसी को तीन रुपये उधार देता बहुत ध्यान से सुनेंगे बस एक ये पॉइंट है उसके बाद हर क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा अगर मैं किसी को तीन रुपये उधार देता कंडीशन ऐसी होती तीन रुपये देता और उस व्यक्ति से इतना परसेंट ब्याज लेता एक साल का तो तीन का इतना प्रतिशत मुझे एक रुपया वो ब्याज देता यानी मैं तीन देता तो एक साल में तीन रुपए एक रुपया उसमें ब्याज का जुड़ जाएगा वो कितने बन जाएंगे चार रुपए तो मेरा पैसा एक साल में तीन से चार हो जाएगा भाई तीन दे रहा हूं चार वापस मिलेगा पर क्वेश्चन में कहा गया समय दो साल है यानी पहले साल भी इसी रफ्तार से बढ़ेगा और दूसरे साल भी तीन से चार और अगर आपने मेरे से रेशो अनुपात वाला चैप्टर पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा तो बस इतनी सी बात यहां समझ लो और बेसिक समझने के लिए रेशो पढ़ लेना बाद में मैंने बताया था कि इधर वाले जो भी होते हैं उनका मल्टीप्लाई हमें जो भी देगा ये होता है जो वैल्यू शुरू में दी गई और इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई जो भी हमें देता है ये वैल्यू होती है जितना हमें एंड में वापस मिलने वाला है ये क्या है जो शुरू में दिया गया और इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई हमें क्या देता है जो हमें एंड में वापस मिलेगा तो शुरू में दिया गया पैसा प्रिंसिपल मूलधन भाई साहब शुरू में उधारी तो देते हैं और जो एंड में मिल रहा है अब भैया नौ रुपए दे दिए और दो साल बाद मुझे सोलह रुपए को पकड़ा रहा है मैं कहूंगा जी सोलह किस बात के वो छूटते ही कहेगा कि भाई साहब सोलह रुपए में इसमें कितना रुपए एक्स्ट्रा दिख रहे हैं आपको सात रुपए तो कहेगा जी, कहे जी सोलह रुपए में ना सात रुपए जो एक्स्ट्रा है वो तो आपकी ब्याज है और सात रुपए के अलावा जो नौ रुपए हैं वो तो मैंने आपसे लिए ही थे यानी कि ये जो सोलह रुपए है वो एक्चुअल में वो हमारा मिश्र धन है ठीक है और इसमें जो सात रुपये एक्स्ट्रा है वो हमारी ब्याज है पर क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब अमाउंट जो एक्चुअल में क्वेश्चन में कही गई है कि जो पैसा वापस मिल रहा है वो तो चौसठ सौ रुपए है देखिए ये तो हमारा डाटा था अब इसके हिसाब से क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उससे हम कंपेयर करेंगे तो भाई साहब जो पैसा वापस मिल रहा है वो मिल रहा है सिक्सटी फोर हंड्रेड इससे चार सौ गुना तो हमसे पूछा क्या गया है जो पैसा उधार दिया है और जो ब्याज मिल रही है तो पैसा जो उधार दिया है वो नौ ना होकर इससे चार सौ गुना ज्यादा छत्तीस सौ रुपए रहा होगा और जो ब्याज मिलेगी वह भी इससे चार सौ गुना ज्यादा अट्ठाईस सौ रुपये रही होगी ये हमारा आंसर आ गया अब मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ये क्या रखती है अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हुए चलेंगे हाँ भाई समझ आ रहा है आ रहा है बहुत बढ़िया है अच्छा मजा आ रहा है शेयर कर दो और लाइक कर दो इसी बात पे देखो किस धन का एक कह रहा सर गाना सुना दो अरे वो अभी तो यहाँ तलवार लटकी पड़ी है यहाँ युद्ध में जाने वाले हो तुम तीन चार दिन में हैं आ जाओ अब अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पूछा तो इसमें भी यही गया कि भाई कितने रुपए उधार दिए अच्छा रेट की अगर बात करें तो रेट है सोलह सही दो बटे प्रतिशत अब अपने अपनी अपनी कॉपी में देखो इसे फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं एक बटे छे यानी अगर मैं किसी को छे रुपए दू तो इतना प्रतिशत यानी उससे एक रुपए का ब्याज लूंगा और वह मुझे वापस सात रुपए करेगा बता रखा है ना मैंने कि भाई इसका इतना प्रतिशत यानी ऊपर वाला हिस्सा मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए यानी छह पर एक एक्स्ट्रा मिलने का मतलब है मुझे सात वापस मिलेंगे ऐसा कितनी बार चलने वाला है क्वेश्चन में साफ साफ देखा है दो साल का टाइम यानी पहले साल मेरा पैसा छे से सात दूसरे साल भी छ से सात इन दोनों का मल्टीप्लाई जो वैल्यू हमें मिलती है इन दोनों के मल्टीप्लाई से वो होती है जो शुरू में दी गई थी यानी जितना पैसा शुरू में दिया गया इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई हमें क्या देगा ये वैल्यू वो होती है जो हमें एंड में वापस मिलेगी यानी अगर मैं आज किसी को छत्तीस उधार दे रहा हूं तो वो दो साल बाद मुझे फोर्टी नाइन रुपीज वापस करेगा यानी ये क्या है मेरा अमाउंट मिश्र धन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा छत्तीस रुपए देकर अगर मुझे कोई फोर्टी नाइन रुपीज उन रुपए दे रहा है तो पहला सवाल यह आएगा भाई साहब ये क्यों दे रहे हो यह तो ज्यादा है तो भैया ज्यादा क्यों है क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा है वो मेरी ब्याज है कितने रुपए एक्स्ट्रा है इसमें तेरह रुपए यही मेरी चक्रवृद्धि ब्याज अब क्वेश्चन क्या कर भाई साहब जो पैसा वापस मिल रहा था वो नाइन एट डबल जीरो था जो पैसा वापस दो तो यहाँ पे पैसा कितना वापस मिला इतना क्वेश्चन के हिसाब से जो वापस मिला वो इतना था इससे कितने गुना ज्यादा इससे 200 गुना तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया है वह भी इससे 200 गुना ज्यादा बहत्तर सौ रुपए होगा और जो ब्याज होगी वो भी तेरह ना होकर देखो ये तो हमारे डाटा वाली ब्याज है एक्चुअल ब्याज से दो गुना ज्यादा छब्बीस होनी चाहिए एक्चुअल अगला क्वेश्चन इसका आंसर दीजिए क्या करें अब यहां क्या है यहाँ पे लिखाइए छियासठ सही दो बटे तीन प्रतिशत यहाँ पे क्या लिखा है सिक्सटी सिक्स टू बाय थ्री परसेंट अब देखिए बहुत से बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्हें इसकी फ्रैक्शन पता ही नहीं होगी अब आप कहोगे सर पूछा क्या गया देखिए वो चीजें बाद में अब ध्यान देंगे अब हम थोड़ा सा प्रो प्लेयर हो गए हैं अब हमने पबजी में एंट्री करनी तो मतलब सीख ही गए एक आधी गोली गाली भी चलाने सीख गए ठीक है अब मुद्दा क्या है डायरेक्ट हमें परसेंटेज में फोकस करना है पर यहां पर आप देखोगे इसकी फ्रैक्शन निकालना या तो आपको पता होनी चाहिए नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं तो, देखिए तेतीस से ही एक बटे तीन प्रतिशत अगर तो डबल है यानी अगर ये एक बटे तीन होता है एक्चुअल में इसी का डबल कर दिया जाए तो ये मिलता है यानी इधर इसका डबल करेंगे तो इधर भी डबल करेंगे तो इसका डबल ये देगा तो इसका डबल टू बाई थ्री दे रहा होता है या फिर इसे सीधा याद रखेंगे छियासठ दो बटे तीन तो ये जो दो बटे तीन लिखा ये इसकी फ्रैक्शन आती है ये रटने का तरीका तेतीस एक बटे तीन तो इसमें जो एक बटे तीन लिखा ये इसकी है ठीक है ये कोई इसका वो नहीं है एक्चुअल बस याद रखने का तरीका है ठीक है इससे पहले वाला इसका परफेक्ट तरीका तो जो अभी बताया था अब अगर सिक्सटी सिक्स -शिछ टू बाई थ्री परसेंट की फ्रैक्शन टू बाय थ्री है तो ये फ्रैक्शन क्या बताती है ये बताती है कि अगर मैं किसी को तीन रुपए उधार दूं और उस व्यक्ति से इतना प्रतिशत ब्याज मांग लूंगा तो वो मुझे दो रुपए ब्याज यानी इंटरेस्ट के रूप में दे देगा यानी तीन रुपए देने पर अगर वो मुझे दो रुपए दे रहा है ब्याज के तो तीन और दो वह मुझे पांच रुपए दे, दे देगा इतनी सी बात समझ गए भाई तीन रुपए मैंने दिए और वो एक साल में दो रुपए ज्यादा देने का मतलब क्या है कि वो भाई तीन में दो रुपए जोड़ के पांच दे देगा दे यानी मेरा पैसा तीन से पांच हो रहा है पर ये तो कंडीशन होगी एक साल की क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई दो साल का टाइम है कितने साल का दो साल का तो दूसरे साल में मेरा पैसा तीन से पांच ठीक है इन दोनों का मल्टीप्लाई नाइन इन दोनों का मल्टीप्लाई पच्चीस तो यहां से ये जो वैल्यू है ये वो वैल्यू है जितना पैसा उधार दिया गया भाई ये जो शुरू में दिया गया ये पैसा जो एंड में वापस मिलने वाला है अगर मैं किसी को नौ दे रुपये देकर पच्चीस रुपए ले रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो ज्यादा ले रहा हूं और मेरे भाई जो ज्यादा ले रहा हूं वो कितने रुपए है सोलह रुपए और यही मेरी ब्याज है अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्वेश्चन में जो पैसा वापस लिया है वो टू टू फाइव डबल जीरो है यानी हम कंपेयर करेंगे कि भाई साहब पच्चीस रुपए वापस नहीं मिल रहे टू टू फाइव डबल जीरो इतने रुपए वापस मिल रहे हैं इस वैल्यू से ये वैल्यू 900 टाइम ज्यादा है तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया है वो भी नौ ना होकर उससे 900 गुना प्रिंसिपल यानी जो मूलधन है वो भी नौ ना होकर उससे 900 गुना इक्यासी सौ रुपए होगा और जो ब्याज है वो भी 900 सौ गुना वन होगा बहुत गजब बहुत गजब भाई बहुत बढ़िया सभी का आंसर आ गया बहुत बढ़िया सब आगे चलते लीजिए हाँ भाई खिलाड़ियों जल्दी से बताइए इस अभी ये बिल्कुल शुरुआत हुई है वन टू थ्री से मतलब न समझो शायद वैसे लगा हुआ है हाँ भाई बहुत 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 है? ठीक है, तो है, है? देखिए क्वेश्चन में क्या है क्या रहा है क्वेश्चन कह रहा है कुछ इतने रुपए को देखिए मेन चीज क्या है कितना दिया या हमें कितना वापस मिला वो बात की बात है सबको अलग रख दो सबसे मेन चीज क्या है सबसे मेन चीज है ये रेट जो चल रही है। तो कितने प्रतिशत रेट है साढ़े बारह प्रतिशत ठीक है अगर मैं इसके फ्रैक्शन की बात करूं तो क्या निकल कर आएगा एक बटे आठ अब अगर मैं पूछूं कि मैं किसी व्यक्ति को आठ रुपए दे देता हूं और उससे इतना प्रतिशत ब्याज लेने का मतलब है वह मुझे एक ब्याज यानी एक रूप उस पर एक्स्ट्रा मिलेगा तो आठ पर एक रुपया मतलब एक साल बाद मुझे नौ रुपए मिलेंगे पर क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा दो साल हो रहा है यानी पहले साल मेरा पैसा से नौ और दूसरे साल आठ से नौ अब बहुत ध्यान से सुनेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई सिक्सटी फोर इन दोनों का मल्टीप्लाई एट्टी वन ये कौन सा पैसा है ये बहुत ध्यान से सुनेंगे ये कौन सा है जो शुरू में दिया गया शुरू में यानी प्रिंसिपल मूलधन जो शुरू में दिया गया ये कौन सा है जो वापस मिलेगा अमाउंट मिश्र धन अब दिया इतना है वापस इतना मिल रहा है कुछ तो ज्यादा मिल रहा है और वो जो ज्यादा मिल रहा है वो कितने रुपए ज्यादा है भाई साहब इससे सत्रह रुपए ज्यादा है कितना सत्रह रुपये यही मेरा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज मुझे कितने का मिला सत्रह रुपए का अब बहुत से बच्चे ना जल्दबाजी में क्या करेंगे वो क्या देखेंगे कि भाई साहब बारह सौ अस्सी डायरेक्ट छूटते ही इससे 1280 को कंपेयर करेंगे अरे पहले देख तो लो इस क्वेश्चन में जो ये 1280 है वो है क्या तो ये वो पैसा है जो शुरू में दिया गया 1280 है क्या इतने रुपए दिए गए हैं वापस नहीं मिल रही ये तो दिए गए हैं और हमारे डाटा के हिसाब से हमने कितना दिया है चौसठ रुपए तो हम कंपेयर करेंगे कि भाई साहब एक्चुअल में इतने नहीं दिए गए एक्चुअल में बारह रुपए दिए गए हैं इस 64 से ये वाली वैल्यू 20 गुना ज्यादा है भैया चौसठ दुनी एक सौ अट्ठाईस जीरो, जीरो हमें यह देखना होता है हमारी वैल्यू से ये कितने टाइम्स कितने गुना है और जितना भी यहां डाटा है उसकी एक्चुअल वैल्यू ना अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू इससे 20 गुना ज्यादा तो ये भी 17 ना होकर एक्चुअल में 20 गुना ज्यादा होगा यानी ब्याज भी सत्रह ना होकर बीस गुना ज्यादा तीन सौ चालीस रुपए जो एक्चुअल में मिली होगी और जो पैसा वापस मिला है वो भी इक्यासी रुपए ना होकर उससे बीस गुना ज्यादा सोलह सो बीस रुपए वापस मिलेंगे मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है अच्छा मजा आ रहा है ऐसे ही पढ़ाते रहो बहुत बढ़िया थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू ऐसे ही पढ़ाते रहूं। अच्छा बहुत बढ़िया पहली क्लास है मजा आ रहा है गजब गजब मेरे भाई इतने दिनों बाद कोई कोई तो मतलब बहुत बढ़िया सब बात बढ़िया देर आए दुरुस्त आए कहते ना कि भाई कोई दिक्कत नहीं सही जगह पर आए आ जाओ आ जाओ आज की क्लास बहुत गजब होने वाली है वैसे भी बहुत लंबी चलने वाली है लंबी चौड़ी ठीक है अब देखो अब आप सीख चुके हो आपको किसी पर ध्यान नहीं देना जहां रेट या कोई परसेंटेज दिख जाए उसे उठाएंगे हमने उठाया बीस प्रतिशत अब आप प्लेयर हो चुके हो अब आपको पता है बीस परसेंट एक बटे पांच होता है नहीं पता तो कॉपी में नकल मार लो आप कोई नया आया है तो शुरू में लिखवा दिए हैं सारी परसेंटेज एक बार उसे कॉपी में एक रुपए का ब्याज यानी मेरे पांच रुपए एक साल में छह रुपए बन जाएंगे पहले साल में पांच रुपये छह रुपए बन गए दूसरे साल में पांच रुपए छे रुपए बन जाएंगे ठीक है अब क्वेश्चन दो साल की कह रहे हैं हाँ इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई पच्चीस और इधर वाले दोनों 36, 36. शुरू में दिया गया ये जो वापस मिलेगा. दिया इतना था, इतना मिल रहा है 11 अच्छा, जो मिलता उसे क्या कहते हैं ब्याज यही तो इंटरेस्ट है हमारा ठीक है अब अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब अच्छा ध्यान से देख लेना हमें दिया क्या गया है क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब जो ब्याज है ना वो चार सौ चालीस रुपए है कंपाउंड अमाउंट विल बी ठीक है इसे इंटरेस्ट कर लो इंग्लिश वाले इंटरेस्ट लिख दो हिंदी में तो लिखा हुआ चक्रवृद्धि चार सौ चालीस रुपए है ठीक है तो मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज लिख लो इसे भी ठीक है तो जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअल में चार सौ चालीस है पर हमारे डाटा से हमने देखा कि ब्याज ग्यारह रुपए थी पर एक्चुअल ब्याज से जब हमने कंपेयर करा एक्चुअल इंटरेस्ट से तो एक्चुअल इंटरेस्ट चार सौ चालीस था इस ग्यारह से मेरे भाई चालीस गुना तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया है शुरू में वो भी पच्चीस ना होकर चालीस गुना ज्यादा एक हजार रुपए होगा और जो वापस मिलेगा वो भी छत्तीस ना होकर इससे चालीस गुना ज्यादा वन फोर फोर जीरो रुपये होगा इतना तो मुझे लग रहा है सभी के दिमाग में फिट बैठ चुका होगा ठीक है अब बताइए बहुत ध्यान से क्वेश्चन इस बार क्या है आपने फोकस करा सीधा अब रेट पर क्योंकि अब आप प्रो प्रो से ही प्रो प्लेयर हो जो पट मारते <coughs> तो अब आपको सिर्फ सबसे पहले परसेंटेज दिख रही किसी को छे रुपए देता हूं और उससे इतना प्रतिशत ब्याज लूंगा तो मुझे एक रुपया मेरा पैसा एक साल में छे से सात हो जाएगा पर अगली बार भी छह से सात होगा पर इस तरह से कितने साल तक तो क्वेश्चन में इस बार दो की जगह तीन साल की बात की गई है कितने साल की तीन साल की यानी पहले साल मेरा पैसा छह से सात दूसरे साल छः से सात और फिर तीसरे साल भी छ से सात हो जाएगा इधर वाले तीनों का मल्टीप्लाई दो सो सोला, और इधर वाले तीनों का मल्टीप्लाई 343 आ जाएगा और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको पता है ये वो पैसा होता है देखो इधर वाले तीनों का मल्टीप्लाई जो भी देगा ये वो वैल्यू है जितना हमने शुरू में किसी को दिया यानी प्रिंसिपल मूलधन और यह जो पैसा होता है जो इधर वाले तीनों के मल्टीप्लाई या दोनों के मल्टीप्लाई से मिलता है यह होता है अमाउंट यानी जितना पैसा वापस मिल रहा है इतना देकर इतना लेने का मतलब क्या है भैया कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिला भाई इससे तो ये ज्यादा है कितना ज्यादा है सौ सत्ताइस रुपए तो एक सौ सत्ताइस रुपये इसमें एक्स्ट्रा है क्यों क्योंकि वही मुझे एक्स्ट्रा मतलब ब्याज तो मेरी ब्याज कितनी है एक सौ सत्ताईस रुपए ठीक है ओके अब हम क्वेश्चन पर नजर डालते हैं कि यार हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया तो क्वेश्चन कह रहा है जो आपको वापस मिलेगा ना वो इतना है यानी वो थ्री फोर थ्री नहीं है वो थ्री फोर थ्री जीरो है। यहां जीरो लगा दो यहां जीरो लगा दो यहां जीरो तो मेरे भाई जो पैसा दिया गया होगा वो ये आ गया ब्याज ये आ गई और ये क्या है जो वापस मिल रहा है इसी की तरह सेम है कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है मजा आ रहा है ऐसे मजा आएगा मेरे भाई रोज लो मौज लो और ना मिले तो फिर राहुल देसवाल को खोज लो यहीं रोज रात नौ बजे राहुल देसवाल सर आपके टॉप तक पर मिलते हैं हमने बहुत मेहनत से आपके लिए इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर एग्जाम टाइम पर तीन तीन घंटे की मैराथन लगवा रहे हैं सबसे बेस्ट टीचर की ठीक है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आप समझ रहे पता नहीं कौन से वाले मैथ के बेस्ट टीचर के यहाँ क्लास चल रही है तो मेरे भाई हम मैं खुद स्वयं सबसे बेस्ट टीचर से मैंने डिमांड करी मैथ के तो राहुल देसवाल सर मान गए हैं और वो आपके लिए सबसे बेस्ट क्लास लेने को रेडी भी हैं तीन से चार घंटे डेली लेंगे एग्जाम निकलने पर मिठाई बस आपको खिलानी होगी ठीक है और इतना मुझे लगता है आप कर सकते हो एग्जाम निकलने पर आपको मिठाई खिलानी होगी ठीक है ओके आ जाइए आ जाओ भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए क्वेश्चन कह रहा है किस धन का तेतीस सही एक बटे तीन प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से डेढ़ वर्ष में मिश्र धन बयालीस सौ रुपए हो जाएगा अब मुद्दा अब आ गया दाई दिक्कत अब तुम फंस जाओगे अब तुम्हें फंसाने वाला क्वेश्चन आ चुका है अब तुम हक्के बक्के हो जाओगे कि भाई अब क्या किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हम है ना यहाँ पर देखो आपने सबसे पहले किस पर फोकस किया तेती सही एक बटे तीन प्रतिशत पर किस पर फोकस किया थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट पर ठीक है, मतलब है एक बटे तीन ठीक है अब हो क्या रहा है पहले साल क्योंकि टाइम जो है वो बहुत यहां पर रोल प्ले करने वाला है टाइम जो है उसी का पूरा खेला और तो ऐसा इसमें कुछ नया नहीं आ गया टाइम क्या दे रखा है डेढ़ साल कितना समय दे रखा है मेरे भाई डेढ़ साल तो पहले साल मैं सामने वाले से ब्याज लेने गया तो उसने मुझे इतना परसेंट हिस्सा ब्याज का दिया और इतने परसेंट हिस्से की बात करूं तो वह पहले साल मुझे एक बटे तीन हिस्सा ब्याज का देगा पर जब मैं उसके पास दूसरे साल ब्याज लेने जाऊंगा तो वो क्या कहेगा मैं पूरे दो साल बाद नहीं गया क्वेश्चन के हिसाब से मैं आधे ही समय में आधा साल मतलब आधे ही समय में उसके पास पहुंच गया तो अगर मैं पूरे एक साल बाद तो तो बेवकूफ थोड़ी बैठा है अगर मैं उसके पास छह महीने में पहुंच गया आधे साल में मैं कहूं हाँ भाई ब्याज मैं तो उससे जिद करूंगा ना इतनी दे दे अगला क्या गया जी ऐसा है आधे ही समय में आ हो तो ब्याज भी आधी ही दूंगा तो उसने क्या करा एक बटे तीन ना देकर इसका आधा यानी अगले छह महीने यानी अगले आधे महीने आधे कह रहा हूं अगले छह महीने में आधे साल में उसने एक बटे छ है यानी पहला एक साल एक बटे तीन हिस्सा और अगले आधे साल के लिए मुझे एक बटे तीन की आधी यानी एक बटे हिस्सा ब्याज का मिलेगा इसे और बारीकी से समझा दूंगा ठीक है एक बटे तीन के हिसाब से मेरा पैसा पहले साल में तीन से चार क्योंकि तीन पर एक की ब्याज और इस कंडीशन में मुझे छे पर एक की ब्याज भाई साहब हमेशा ऊपर वाला हिस्सा ही मुझे ब्याज का मिल रहा होता है तो छे पर एक की ब्याज यानी मेरा पैसा दूसरे साल में यानी दूसरा जो आधा साल है उसमें छह से सात हो जाएगा ठीक है इतनी सी बात समझ आ रही होगी आप तक अभी तक जो आपने सीखा है इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई हमें जो वैल्यू मिलती है वो होती है जो शुरू में दिया गया और साथ में इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई हमें जो मिल रहा होता है वो मिलता है जो हमें एंड में वापस मिल रहा है यानी ये हमने दिया तो ये हमें वापस मिला पर इसे और इजी कर सकते हैं देखिए अभी तक तो हमने एक भी बार ऐसा नहीं किया था अब क्यों कर रहे हैं देखिए अगर इधर वाले हिस्से और इधर वाले हिस्से में कुछ कट रहा है तो काट दो अभी तक तो कुछ कट ही रहा था पर यहाँ कट रहा है देखो कैसे दो दूनी चार दो तीन छ इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी अब कुछ कट रहा है इधर और इधर नहीं तो तीन तीय नौ यहां नौ आ गया सात दुनी चौदह इसे और गहराई से आप समझ पाओगे जब मैं रेशो पढ़ाता हूं और मुझे लगता है आप में से मैक्सिम सबने मुझसे रेशो पढ़ रखी है तो मेरे भाई ये वो वैल्यू आ गई जो शुरू में दी गई और ये जो एंड में वापस मिलेगा अब भाई साहब नौ रुपए देकर चौदह रुपये मुझे मिल रहे हैं इसका मतलब मुझे पांच रुपए ज्यादा मिल रहे हैं यही मेरी क्या है ब्याज अब क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब आपको जो पैसा वापस मिल रहा है वो बयालीस सौ रुपये यानी चौदह रुपये वापस नहीं मिल रहे मुझे मिल रहे हैं बयालीस सौ रुपए इसे चौदह से तीन सौ गुना तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया है वह भी नौ ना होकर इसे तीन सौ गुना भाई ये वैल्यू वो होती है ना जो शुरू में दी गई वो भी नौ ना होकर उसे तीन सौ गुना थ्री हंड्रेड टाइम सत्ताइस सौ रुपये होगा और जो ब्याज है वह भी पांच ना होकर उसे तीन सौ गुना पंद्रह सौ रुपये होगी किसी को डाउट हाँ भाई बताई बताओ कोई दिक्कत नहीं है आगे चले लीजिए कौन दिक्कत ना ही थोड़ा सा जल ग्रहण कर ले इस क्वेश्चन को जब तक आप कीजिए हाँ भाई अब आप इस क्वेश्चन पर आ चुके हो ठीक है आशा करता हूं इसको तो अपने आप कर लोगे पर मैं फिर भी कराऊंगा हो जाओ हाँ भाई देखो यार कहा कह रहा है जब क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब हमें फोकस करना है किस पर तेतीस सही एक बटे तीन प्रतिशत पर हमने कर दिया भाई कि रेट है तेतीस सही एक बटे तीन परसेंट ठीक है ओके अब अगर टाइम की बात की जाए तो क्वेश्चन में टाइम दे रखा है ढाई साल अब होगा क्या अभी तक क्या हो रहा था देखो पिछले क्वेश्चनों में पहले साल में छ से सात दूसरे साल से तीसरे साल से छत क्यों क्योंकि देखो पहले साल भी एक हिस्सा ब्याज का मिलेगा दूसरे साल भी तो पहले साल में छ पर एक ब्याज तो सात बन जाएगा फिर दूसरे साल भी ये रेट तीसरे साल भी अब क्वेश्चनों में क्या हो रहा है कि मेरे भाई ढाई साल का मतलब क्या है देखो सबसे पहले तेतीस सही एक बेटे तीन प्रतिशत यानी फ्रैक्शन इसकी वन बाई थ्री होती है तो पहले साल क्या होगा फर्स्ट ईयर में मुझे एक बटे तीन हिस्सा ब्याज का मिलेगा अब मैं उसके पास दूसरे साल गया। तो दूसरे साल भी इसी सेम रफ्तार से यानी दूसरे साल भी मुझे एक बटे तीन हिस्सा ब्याज का मिलेगा पर जब मैं उसके पास तीसरे साल गया और वो अगर मैं पूरा तीसरा साल खत्म करके जाता तो मुझे एक बटे तीन हिस्सा ब्याज का देता परंतु मैंने पूरा साल खत्म नहीं होने दिया मैं उसके पास आधे ही साल में ढाई साल कह रहा है ना वो तो आधे ही साल में पहुंच गया तो एंड वाले साल का पूरा ब्याज ना मिलकर उसका आधा ही ब्याज हमारे हिस्से में आएगा ये तो नॉर्मल सी बेसिक बात है ना यार आप हो चाहे मैं हूं हम क्यों देंगे भाई फालतू पैसा नहीं तो मेरे भाई एंड वाले का आधा हिस्सा ही यानी तीन दुनी छह तो एक बटे छ हिस्सा ब्याज का मिलेगा बस अब आप पहली कंडीशन में मेरा पैसा तीन से चार व्हाइट ले लेते हैं जिसे साफ नजर आए तो पहली कंडीशन में मेरा पैसा तीन से चार दूसरी कंडीशन में तीन से चार और तीसरी कंडीशन में, में मेरा पैसा छ से सात हो जाएगा और अभी अभी सिखाया था इधर वाले और इधर वालों में कुछ भी कट रहा हो तो काट देंगे तो मेरे भाई दो से ये दो पर जाएगा और दो से ये तीन पर तीन तीय नौ तीय सत्ताईस ये आ चुका है सत्ताईस चार दुनिया आठ सत्तर छप्पन एट सेवन जो फिफ्टी सिक्स यानी अगर मैं किसी को इतने रुपए दे रहा हूं तो वो व्यक्ति मुझे छप्पन वापस करेगा अब भाई साहब वापस कर रहा है ज्यादा क्यों क्योंकि ये जो है इस वाली वैल्यू से उनतीस रुपये ज्यादा है भाई साहब ये दिया गया है ये वापस कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 29, क्योंकि यही हमारी क्या है ब्याज अब पोशन क्या कह रहा है जो वापस मिल रहा है वो छप्पन सौ रुपये है मिश्र धन कहते हैं हिंदी में तो मेरे भाई जो वापस मिला वो छप्पन सो यानी उसमें दो जीरो ज्यादा है अगर ये डाटा होता जब छप्पन था ये तब तक तो ये सही था पर क्वेश्चन के हिसाब से इसमें दो जीरो ज्यादा तो यहाँ भी दो जीरो लगा दो तो यहाँ पे दो जीरो अगर वो पूछे कितने रुपए उधार दिए सत्ताइस सो कितनी ब्याज मिली तो उनतीस सौ इतने में कोई दिक्कत नहीं है आगे चले लीजिए अब और दिक्कत बन गई अभी तक ठीक था डेढ़ साल ढाई साल अब और उसने दिक्कत खींच दी उसने एक साल चार महीने दे दिया और आजकल वो ऐसे क्वेश्चनों पर बहुत फोकस कर रहा है अभी हाल फिलहाल में कितने एग्जाम ले लो चार महीने आठ महीने सात महीने ऐसे क्वेश्चन दे रहा है अभी तक क्या था चीजें नॉर्मल थी भैया डेढ़ साल का क्वेश्चन आ गया बच्चा टेंशन लेता था यार मही के क्वेश्चन आ गए और उसने तो बिल्कुल ही कमर तोड़ दी उसने कहा लो चार महीने चार महीने तो फिर भी ठीक जाए सात महीने का फिर तिहत्तर दिन का अब भाई साहब बच्चा कैसे खेले पर मैंने एक ही लॉजिक से सारा समझा दूंगा आपको देखो कोई दिक्कत नहीं है हम भी यहां पर इसीलिए तो हैं कि इनकी कमर तोड़ने के लिए तो भाई हर एक क्वेश्चन की कमर यही तोड़ दी जाएगी आ जाओ रेट चल रही थी पचास प्रतिशत ले लो भाई साहब पैसा ले लो ब्याज पे पचास प्रतिशत रेट है पचास प्रतिशत यानी एक बटे दो पर अगले पट्टे ने कह दिया जी ऐसा है एक मतलब जो ब्याज ब्याज जो ली गई है क्वेश्चन में एक साल चार महीने तक ली गई ठीक है अब होगा क्या ध्यान से देखेंगे मैं किसी से ब्याज लेने गया ठीक है मैंने उससे एक साल बाद जैसे ही पहुंचा तो उससे पचास परसेंट यानी उससे एक बटे दो हिस्सा ब्याज का ले लिया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है पर अगली बार जब गया तो भाई जरूरत तो हमें भी पड़ सकती है देने वाले को भी नहीं तो पड़ गई जरूरत मैं अगले के पास महीने बाद पहुंच गया मैंने कहा ऐसा ब्याज निकाल वो जी ले लो अब वो कह मैंने कहा मैं पूरे साल की ब्याज दे वो चार महीने बाद आयो बेवकूफ थोड़ी पैसा ब्याज के साथ दिया दे तो रहा हूं पर ब्याज तो चार महीने की दूंगा मैंने कहा भैया जितने महीने की है दे दे तो एक्चुअल मैं अगर मैं किसी के सर पर चार महीने बाद जाके बैठ जाऊं तो वो चार महीने की ही ब्याज देगा अच्छा अगर मैं इतना परसेंट पचास परसेंट यानी जो भी पैसा उसका एक बटे दो हिस्सा ब्याज का लेना चाहता तो मुझे उसके पास बारह महीने बाद यानी एक साल के बाद जाना चाहिए था यानी ये जो ब्याज है वो पूरे एक साल का है पर मुझे अभी एक साल एक साल यानी बारह महीने बारह में से सिर्फ और सिर्फ चार महीनों का ब्याज चाहिए मुझे ये एक बटे दो पूरा नहीं चाहिए ये जो भी जो भी है एक बटे दो एक बटे तीन जो भी रेट होता वो पूरी ना लेकर उसका दो यहां तो एक बटे दो रेट चल रही है पचास परसेंट एक बटे दो है कुछ भी रेट हो कुछ भी ए टू जेड अगर मुझे पूरे बारह महीने का नहीं चाहिए उस बारह में से सिर्फ चार महीने का यानी चार बटे हिस्सा तो यहां से भाई मैं समझ गया कि मुझे वन बाई टू नहीं मिलेगा मुझे बारह में से सिर्फ चार महीने का मिलेगा करके देख लो टू से कितने पर जाएगा <coughs> तो फिर भाई और बस तो यहाँ लो एक बटे हिस्सा तो पहली कंडीशन में, में मेरा पैसा दो से तीन, इस रफ्तार से बढ़ा हुआ से सात ठीक है कुछ कट रहा है तीन से एक पर जा रहा है तीन से दो पर दो चार और सातम सात ये वो वैल्यू है जो शुरू में दी गई और ये वो पैसा है जो एंड में वापस मिलेगा फिर से वही मुद्दा इतने देने पर इतने क्यों मिल रहे हैं कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है तीन यही मेरी क्या है ब्याज ठीक है मेरे भाई ओके अब क्वेश्चन कह रहा है जो पैसा वापस मिल रहा है वह बयालीस सौ रुपये है कोई दिक्कत नहीं है जो वापस मिलेगा वो है फोर्टी टू हंड्रेड इससे कितने गुनाया था छो ठीक है तो पूछा गया जो पैसा दिया गया है तो वह भी चार होकर इससे 600 गुना सौ गुना ज्यादा चौबीस सौ होगा और जो ब्याज मिलेगी मेरे भाई वो भी तीन ना होकर छह सौ गुना अठारह सौ रुपए होगी ठीक है कोई दिक्कत सर जी गाना सुना दो बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे अरे ओ कहा मेरे भाई कहा है कौन सा बचपन का प्यार यहाँ बुढ़ापे में आ गए हम प्यार मोहब्बत तो सब तुम हो मेरे ठीक है इधर आ जाओ इधर ध्यान से जाना मेरी जाने मन आ जाओ हाँ भाई बताओ अब भाई साहब आठ महीने का केस आ गया ठीक है क्या हो गया हाँ भाई एक बार शेयर कर दो मेरे भाई हल्के मत पढ़ो मेरे बब्बर शेयर और शेयर नहीं हो एक बार शेयर करके आओ और लाइक में कोई कमी मत छोड़ो दो हर बार ना थोड़ी थोड़ी देर बाद शेयर करते रहा करो तभी तो देखो क्या होता है पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है पर शेयर तो आप बहुत उससे कर सकते हो ना यार बाइक को एनर्जी नहीं दे सकते हो मुझे तो दे दो मैं भी तो एक गाड़ी की तरह हूं तब तक ही चलूंगा जब तक मुझे यहां से एनर्जी आती रहेगी बच्चा पढ़ रहा है ठीक <coughs> है पर अब तो मैं आज तीन चार घंटे पूरे चलने वाला हूँ प्रण लेके आया हूँ ठीक है तो पर थोड़ी तो बूस्टअप देते रहे करो थोड़ी बहुत शेयर करके ठीक है आ जाओ चलो तो आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन में देखा कि रेट क्या चल रही है मेरे भाई साढ़े बारह प्रतिशत रेट क्या चल रही थी साढ़े बारह प्रतिशत अब ट्वेल्व वन बाई टू परसेंट थोड़ा नीचे लिख लेते हैं अच्छा किसी को कोई भी अभी तक डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बताओ अभी तक हाँ भाई अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताओ आ जाओ अरे मुझे ही देख लो है मेरे शक्ल में कोई कमी है दाढ़ी तो ओगरी होगी ज्यादा सी है ये कह रहा कि मैं हमको देखने का दिल कर रहा अरे पढ़ ले है। मुझे देख ले मुझे में कमी है कोई आज तो सुंदर सा बन के और आ रहा हूं, टी शर्ट टाशर्ट पहन के देख इधर पढ़ाई कर लो पढ़ाई ठीक है आ जाओ पर मुद्दा क्या है मेरे भाई क्वेश्चन में रखा है सा एक साल आठ महीने तक ली गई ठीक है ब्याज एक साल आठ महीनों तक ली गई तो पहले साल इतना परसेंट यानी मुझे एक बटे आठ हिस्सा ब्याज का मिलेगा जब मैं दूसरे साल अगर पूरे दो साल बिताकर पहुंचता तो मुझे फिर से एक बटे आठ हिस्सा ब्याज का मिलता परंतु अब मुझे बारह महीनों में से सिर्फ आठ महीने की ही ब्याज मिलेगी क्यों मैं आठ महीने बाद पहुंच गया तो अगला भी बारह में से आठ महीनों की ही ब्याज देगा ठीक है ओके आठ से आठ कट जाएगा और यहां पे आ जाएगा एक बटे यानी अगली कंडीशन में जो पैसा मिलेगा अगले आठ महीनों में वो मुझे एक बटे बारह हिस्सा ब्याज का मिलेगा और कोई ये तो नहीं सोच रहा कि दो तो महीना है ना महीना पूरे साल में बारह तो बारह से हम आठ महीने को कंपेयर कर रहे हैं ठीक है ओके okay. तो पहली कंडीशन मेरा पैसा आठ से नौ और दूसरी कंडीशन है मेरा भाई बारह से तेरह ठीक है जो करता है काट लेंगे तो मैं जब काटने बैठा तो तीन से तीन पर तीन चौक बारह और कुछ कट रहा नहीं एट फोर जा थर्टी टू थर्टी थ्री जा थर्टी नाइन ठीक है ये रुपए दिए गए ये रुपए वापस मिले सात रुपए एक्स्ट्रा मिले जो एक्स्ट्रा है वही ब्याज है पर क्वेश्चन कह रहा इक्कीस सौ रुपये की ब्याज मिल रही है तो ठीक है मेरे भाई की की नहीं मिल रही? की मिल रही रही ब्याज है इससे तीन गुना ज्यादा तीन सौ गुना तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया होगा वह भी बत्तीस रुपये ना होकर उसे तीन सौ गुना ज्यादा नाइन सिक्स डबल जीरो रहा होगा और जो वापस मिलेगा वो भी इतना ना होकर उसे तीन सौ गुना ज्यादा वन वन सेवन डबल जीरो किसी को डाउट बहुत गजब मेरे भाई बहुत गजब बेहतरीन हाँ भाई अब एक साल सात महीने फिर चीजों को बदलते हैं कि और किस किस तरह से क्वेश्चन वो घुमा के आपसे पूछने वाला है ठीक है मतलब बिल्कुल मजा खड़ा कर देंगे अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है अभी तो भैया पार्टी शुरू हुई है अभी तो देखना तुम एंड तक जाते आते और यही सेम टू सेम जब क्वेश्चन पेपर में दिख जाएंगे तो तुम लव यू लव यू बोलते नहीं थकोगे अपने वाली को इतना लव यू नहीं बोलोगे जितना मुझे लव यू लव यू बोल दोगे ठीक है आ जाओ क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि कुछ रुपए दिए गए ठीक है हमारा तो मेन एम रहता है कि रेट क्या चल रही है तो रेट चल रही थी चौदह से दो गोटे सात प्रतिशत अच्छा साथ में टाइम क्या है टाइम एक साल सात महीने तो रेट लिख ली फोर्टीन टू बाय सेवन परसेंट ठीक है टाइम क्या था एक साल सात महीने ठीक है इसका मतलब क्या है मुझे एक बटे सात हिस्सा ब्याज का मिलेगा ठीक है अगर मैं पहले साल उसके पास पहुंचा तो मुझे एक साल एक बटे सात हिस्सा ब्याज का देता और अब जब अगर मैं पूरे दो साल बाद पहला साल खत्म हुआ तो पूरा दूसरा साल पूरा खत्म करके अगर मैं उसके पास पहुंचता फिर से वो मुझे एक बटे देता पर सात महीनों बाद पहले साल के बाद सात महीने ही खत्म हुए थे मैं उसके पास पहुंच गया तो मुझे ये पूरा ना देकर बारह महीनों का बारह में से सिर्फ सात महीनों का ब्याज देगा यानी सात से सात कट जाएगा यानी एक बटे बारह यानी अगले सात महीनों के लिए मुझे एक बटे बारह हिस्सा ब्याज का मिलेगा तो इस हिसाब से पहले साल में मेरा पैसा सात से आठ चलो व्हाइट से लिख लेते हैं थोड़ा आपको साफ दिखेगा पहले महीने में पैसा सात से आठ दूसरे में बारह से तेरह कुछ कट रहा है बिल्कुल कटेगा जनाब चार से दो पर चार से तीन पर सात इक्कीस तेरह दूनी छब्बीस ये जो शुरू में दिए गए ये वापस मिल रहे हैं कितने ज्यादा मिल गए पांच क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब पांच नहीं वन जीरो जीरो रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे इससे कितने गुना ज्यादा दो दस गुना तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया वह भी दो दस गुना ज्यादा फोर फोर वन जीरो होगा और जो वापस मिलेगा वह भी इससे दो सौ दस गुना ज्यादा होगा कर लेना जो वैल्यू आएगी आंसर यहां तक कोई डाउट कौन दिक्कत ओके okay. ठीक है आगे चले कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अगर करना हो ना तो कर लेना ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाई कोई क्या सर जी यही नहीं करके दे रहा तो छब्बीस बावन छ चार पांच फाइव फोर सिक्स जीरो लो ठीक है आ जाओ हा भाई एक ये और उसके बाद चीजें बहुत बदलने वाली हैं और वो क्वेश्चन अभी जो दो साल में कोई भी यहां बच्चा बैठा हो जो हाल फिलहाल में अगर उसने एग्जाम दिया चाहे किसी भी चीज का दिया है वो समझ जाए कि हाँ सर उस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे ठीक है मतलब ये जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना इस तरह के बहुत ज्यादा पूछ रहा है वो अब इसको हल्का सा स्पीड में ले लेते हैं देखो सबसे पहली बात रेट क्या थी सैतीस सही एक बटे दो प्रतिशत टाइम क्या दे रखा है क्वेश्चन में दो साल आठ महीने ठीक बात है मेरे भाई बिल्कुल ठीक है अब सैंतीस एक बटे दो प्रतिशत यानी तीन बटे आठ पहला पूरा साल तो मैं तीन बटे आठ हिस्सा ब्याज कर लूंगा दूसरे साल भी पूरा साल भी था तीन बटे आठ हिस्सा जब तीसरा भी साल पूरा बीत गया होता तो मैं उसे तीन बटे आठ हिस्सा ब्याज का लेता पर तीसरे साल गड़बड़ हुई मैं पूरा साल बीतने नहीं दिया मैं आठ महीनों के बाद पहुंच गया तो अगला मुझे बारह में से सिर्फ आठ महीनों का ही ब्याज देगा तो यह है टोटल टोटल ब्याज पूरे साल का उस पूरा साल यानी बारह महीने का इस बारह में से मुझे सिर्फ आठ महीने का चाहिए आठ से आठ तीन से एक पर तीन से चार पर तो यह कितना बन गया एक बटे चार यानी यहाँ से आप ये समझ पाए इसकी वजह से पहले साल में मेरा पैसा आठ से ग्यारह इसकी वजह से दूसरे साल में आठ से ग्यारह और इसकी वजह से चार से पांच ठीक है इन सभी का मल्टीप्लाई मेरे भाई टू फिफ्टी सिक्स इन सभी का मल्टीप्लाई एक सौ इक्कीस पाँच कम पांच पांच दुनिया यार या फिर सीधा इलेवन फाइव फिफ्टी फाइव पाँच और पाँच दस ठीक है तो मेरा भाई सौ पाँच हो गया ना डायरेक्ट कर दो छः सौ पाँच अब अगर आप देखोगे तो ये वो पैसा है जो शुरू में दिया गया ये तो नॉर्मल सी बात है ये वो पैसा है जो इन द एंड हमें वापस मिलेगा तो आप अगर ध्यान से देखोगे इससे जो ये वाली वैल्यू है वो कितने रुपए एक्स्ट्रा है कितने रुपए एक्स्ट्रा है थ्री फोर नाइन अब क्वेश्चन में समझो क्या दिया गया क्वेश्चन कह है भाई साहब जो ब्याज मिल रही है ना वो इतने रुपए की है यानी ब्याज ना ऐसी ही कुछ है थ्री फोर नाइन जैसी बस उसमें दो जीरो ज्यादा है अगर यहां दो जीरो ज्यादा तो यहां भी दो जीरो यहां भी दो जीरो अगर वो पूछा कितने रुपए दिए गए थे इतने कितने वापस मिलेंगे ये और ब्याज यह है ही किसी को डाउट बहुत गजब बहुत गजब हाँ भाई बताओ तो देखो जल्दी जल्दी जल देख लेते हैं अच्छा तिहत्तर दिन वाला ये तुम करके बताओ हां भाई जल्दी से सिंपल इंटरेस्ट भी अरे एक चीज एक टाइम पे पढ़ा लें दो पहले पढ़ा रहा हूं सीआई फिर पढ़ा रहा एस आई देखो सीआई से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एस आई से एक आएगा तो सी आई से आएंगे दो तो पहले मैंने क्या कर रहा हूं मैं सी आई चल रहा हूं साधारण ब्याज साधारण ब्याज आज ही पढ़ाऊंगा इसके बाद ठीक है टेंशन मत लो ठीक है इसकी टेंशन लो आज चाहे मेरे भाई जब तक है जाने जहां मैं पढ़ाऊंगा ठीक है तो टेंशन मत लो तुम इस चीज की टेंशन मत लो तुम सिर्फ पढ़ने से मतलब रखो आज ठीक है अभी हमारा समय कितना हुआ है अभी तो बहुत समय है हम पर इतना बहुत थक जाते हो बहुत जल्दी ऐसे कैसे काम चलेगा रे बाबू देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन में रेट दे रखा है हमको तेतीस सही एक बटे तीन प्रतिशत ठीक है और साथ में हमको दे रखा है एक साल तिहत्तर दिन अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही गजब क्वेश्चन है इसमें बहुत बच्चा गड़बड़ कर देता है बहुत घबरा जाता है ठीक है मेरे को मतलब जो ये इधर बिहार के टच की थोड़ी लैंग्वेज है भोजपुरी टाइप पर मुझे आती नहीं है मैं मतलब बस ऐसे ही थोड़ा सा क्या है कि दोस्त यारों से सुन लेते हैं तो थोड़ी सी अच्छी सी लगती है बहुत सारे दोस्त उधर के तो इसको उस तरह से मन ले जाना ठीक है आ जाइए देखिए तो तैतीस है एक बटे तीन प्रतिशत एक बटे तीन पहला साल एक बटे तीन हिस्सा ब्याज का दूसरा साल पूरा अगर बीत गया होता तो एक बटे तीन मिलता परंतु परंतु मुझे सिर्फ और सिर्फ तिहत्तर दिन का ब्याज चाहिए क्योंकि मैं तिहत्तर दिन बाद पहुंच गया अच्छा एक साल मतलब 365 दिन 365 सिक्सटी डेज यानी पूरा एक बटे तीन चाहिए तो मुझे 365 दिन बाद जाना चाहिए था परंतु मुझे तीन में से सिर्फ तिहत्तर दिन का ही ब्याज मिलेगा यानी 365 सौ पैंसठ का तिहत्तरवा हिस्सा ही मुझे ब्याज का मिलेगा देख लेते हैं तो मेरा सेवेंटी से वन पे सेवेंटी से फाइव पर थ्री फाइव या यानी एक बटे पंद्रह कितना हो जाएगा मेरे भाई एक बटे पंद्रह कितना हो गया एक बटे पंद्रह ठीक है ओके आ जाइए लीजिए अब आप ध्यान से देखेंगे अगर आप इस क्वेश्चन को तो आ जाते हैं तो मेरे भाई देखो एक साल तिहत्तर दिन पूरे साल का अगले तिहत्तर दिन का एक बोटे पंद्रह पहले साल में मेरा पैसा तीन से चार और दूसरे साल में मेरा भाई पंद्रह से सोलह ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव ये वो पैसा जो शुरू में दिया गया ये वो पैसा जो हमें एंड में वापस मिलेगा भाई साहब जो दिया गया है और जो वापस मिल रहा है तो सिक्सटी फोर में से पैंतालीस घटाएंगे तो पता चला कि मुझे उन्नीस रुपए ज्यादा मिले हैं पर क्वेश्चन क्या कह रहा है एक सौ नब्बे रुपए की ब्याज है यानी उन्नीस में बस एक जीरो ज्यादा है अगर ब्याज में एक जीरो ज्यादा तो ये भी ज्यादा ये, ये भी एक जीरो तो ये वो पैसा जो दिया गया वो ये वापस मिला किसी को डाउट क्या अरे सारे करा दूं हर रोज दो दो कराऊंगा ठीक है तुम्हारे एग्जाम तक सारे खत्म करा लूंगा ठीक है बताओ जल्दी से अब दो साल तिहत्तर दिन का तुम कर ही लोग होता है ठीक है क्वेश्चन में दो साल तिहत्तर दिन की बात कर रहा है ठीक है तो आप क्या करोगे पहले साल एक बेटे दो मिल जाएगा दूसरे साल एक बेटे दो मिल जाएगा जब तीसरे साल एक बेटे दो मिलता परंतु तीसरा साल पूरा खत्म नहीं होने दिया उस चक्कर में तीसरे साल मतलब पूरे साल का मतलब होता है तीन तो तीन में से सिर्फ तिहत्तर दिन का मुझे ब्याज मिलेगा तो सेवेंटी थ्री सेवन पर सेवेंटी थ्री फाइव पर टू फाइजर टेन यानी टे दस हिस्सा यानी अगले जो तीसरा साल है जिसमें पूरा साल नहीं बस तिहत्तर दिन की बात करूं तो एक बटे दस हिस्सा ब्याज का मिलेगा ठीक है सेम चीज थी इसलिए थोड़ा तेजी से करा दिया तो पहले साल में पैसा दो से तीन दूसरे साल में दो से तीन आपको ये दो से तीन मतलब दो पर एक का ब्याज ऊपर वाली चीज ब्याज होती है और दस पर एक का ब्याज दस से ग्यारह इधर वाले का मल्टीप्लाई चालीस इधर वालों का मल्टीप्लाई नाइनटी नाइन ये वो पैसा जो शुरू में दिया ये जो एंड में मिलेगा तो कितना ज्यादा मिल रहा है फिफ्टी नाइन क्वेश्चन क्या रहा है पांच सौ नब्बे रुपए मिल रहे हैं ब्याज के इससे एक जीरो ज़्यादा तो जो वापस मिलेगा वो ये है और जो दिया गया होगा वो ये है है ठीक आ जाइए अब इस क्वेश्चन पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दो हाँ भाई इस क्वेश्चन पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दीजिए और अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं बहुत ज्यादा और यहां से हंड्रेड परसेंट आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फंसने वाला है यहां से हंड्रेड परसेंट आपके एग्जाम में मेरे भाई एक क्वेश्चन फसने वाला है कौन दिक्कत बहुत गजब बहुत गजब आ जाइए देखिए क्या कह रहा है आपका ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन कह रहा है लीजिए किस धन का पहले वर्ष के लिए इतना प्रतिशत दूसरे वर्ष के लिए इतना तो देखो पिछले और ये क्वेश्चन पता है पहला ये घबरा जाता, जाता था कि कैसे होगा जब तक हमारे जैसे दुरंधर टीचर थे नहीं मार्केट में और आप पढ़ते भी होंगे तो वहीं आस के क्षेत्र में किसी से पढ़ लेते होंगे उन्हें खुद नहीं पता वो तुम्हें कहां से बताएं वो खुद सोचते होंगे कैसे होगा पर अब जब हमने ये सर्विस दी दूर दराज देश, मतलब दूर दराज पूरे देश में तो बहुत दूर दूर, दूर तक चीजें पहुंची तो देखो ये चीज़ें तो हमने बहुत बड़े बड़े टीचर भी आजकल इस ट्रिक को यूज कर रहे हैं हमारी वाली ये तो हमने मतलब शुरुआत करी थी इस वाली की तो ठीक है ठीक है छोट इससे पहले तक की तो बहुत सारे कर रहे थे बट ये कि भैया अलग अलग अगर रेट आ जाए तो क्या घबराना अलग अलग है तो मेरे भाई इसका एक बटे और इसका एक बटे यानी पहले साल इस रफ्तार से पैसा बढ़ेगा और दूसरे साल इतना हिस्सा ब्याज का मिलेगा जैसे ये क्वेश्चन थे इनमें मेरे भैया हमेशा ऊपर वाली वैल्यू ब्याज होती है तो तीन पर एक ब्याज यानी चार व्हाइट यूज कर लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई अब तो बच्चा मिनटों में सोल्व कर लोगे आप ये सोचोगे अरे सर जी आपने तो भाई जादू का मंत्र दे दिया कहते हैं जादू की पुड़िया दे देंगे क्या वो टीचर बिल्कुल मिल रही है भैया तीन से चार और दूसरी बारे में एक पर चार से दो पर देखो कितना आसान बन जाएगा तीन से एक पर तीन से तीन पर ठीक है इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई मेरे भाई दो आ जाएगा इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई तीन ये वो पैसा जो दिया गया है ये वो पैसा जो वापस मिलेगा तीन रुपए जो है एक ज्यादा है यानी एक रुपया ब्याज मिलेगी क्वेश्चन कह रहा है जो पैसा वापस मिल रहा है वो तीन सौ नब्बे है यानी तीन रुपए नहीं तीन सौ नब्बे वापस मिलेंगे इस एक सौ तीस गुना तो जो दिया गया होगा वो भी दो रुपए ना होकर एक सौ तीस गुना दो साठ रुपए होंगे और जो ब्याज है वह है भी एक सौ तीस गुना एक सौ तीस होगा अब मजा आया होगा हाँ भाई मजा आया तो लाइक ठोक दो एक बार लाइक में कोनो कमी नहीं होनी चाहिए हां भाई साहब क्या बात बहुत बढ़िया बहुत ही गजब हाँ भाई यो यो हनी सिंह है बताओ भाई साहब अच्छा बताओ बताओ इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए रेट अगर पहले साल की रेट की बात करें तो ट्वेल्व वन बाय टू परसेंट और इंपोर्टेंट लिख लेना हंड्रेड परसेंट लिखने वाला है इलेवन वन बाय नाइन परसेंट और अगर बात करता हूं उससे अगले साल की तो रेट चल रही है मेरे भाई दस प्रतिशत कितनी चल रही है दस प्रतिशत तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है तीन वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज सत्ताईस सौ रुपए हो जाएगा आगे की आगे देखेंगे पहले साल मेरे भाई फ्रैक्शन एक बटे आठ दूसरे साल की फ्रैक्शन एक बटे नौ और तीसरे साल की फ्रैक्शन एक बटे दस होगी कितनी होगी मेरे भाई तीसरे साल की फ्रैक्शन एक बटे दस होगी इतनी बात समझ आ गई अच्छा ये जो फ्रेशन ये बताती है बताती कि पहले साल में पैसा आठ से नौ क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा ब्याज का नौ से दस दूसरे साल में और तीसरे साल में दस पर एक ब्याज दस से ग्यारह अभी तक क्या सीखा है कुछ कट रहा है तो काट दो दस से दस कट गया नौ से नौ कट गया और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा इधर वाले का सभी मल्टीप्लाई आठ और इधर ग्यारह आठ देकर ग्यारह रुपए वापस मिले कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं आठ से तीन रुपए ज्यादा यानी यही ब्याज है क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब सत्ताईस सौ रुपए की ब्याज मिल रही है कितने रुपए की ब्याज मिल रही है सत्ताईस सौ रुपये की तो एक्चुअल जो ब्याज है वो तीन से नौ सौ गुना ज्यादा है तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया है वह भी आठ ना होकर इससे नौ सौ गुना ज्यादा बहत्तर सौ रुपये होगा और जो ब्याज है वह ब्याज जो पैसा वापस मिलेगा उल्टा वो भी कितना होगा अच्छा एक बात और ध्यान से सुन लो जो अभी तक आपको नहीं बताई गई बताई क्या गई मतलब बता दो तो सब भी रहा हूँ वो सिर्फ एक चीज पूछता है यहां तो फिर भी मैं आपको दो दो निकलवा रहा हूं डबल टाइम लग रहा है वहां सिंपल एक चीज पूछेगा आपसे ठीक है बताओ क्या होगा जा क्वेश्चन को आंसर दिल आपको दे दिया सर मैंने एक दिल आपको दे दिया क्या नाम है भाई का सिद्धांत लव यू मेरी जान लव यू सभी को लव यू ठीक है कोई सा यू कह दे कि सर जी आपने तो हमारा दिल तोड़ दो है? तो भैया सबको आई लव यू बताओ क्वेश्चन क्या है क्या रहा है फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इतना देखो आगे बाद में जाएंगे हमें तो सिर्फ रेट क्यों देखना है पहले साल की रेट दूसरे साल की रेट और तीसरे साल की रेट सिर्फ हमें क्या देखना है रेट तो पहले साल की रेट 57 सेवन वन बाय सेवन परसेंट दूसरे साल सिक्सटीन टू बाय थ्री परसेंट और तीसरे साल नौ सही एक बटे ग्यारह प्रतिशत इसकी फ्रैक्शन फोर बाय सेवन इसकी फ्रैक्शन वन बायन शायद यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी कलर चेंज कर लेते हैं ठीक है इस कंडीशन में, में मेरा पैसा सात से ग्यारह हो जाएगा अब आप कहोगे सर ग्यारह कैसे हो गया अभी तो तो सात से एक ही बढ़ रहा था आठ हो रहा था यहां तो सर जी ग्यारह कैसे हो गया अरे भैया सात जो भी फ्रैक्शन होती है उसके ऊपर वाली हिस्सा ब्याज होता है ना तो इस बार सात पर चार की ब्याज मिल रही है इसलिए तो सात से चार जोड़ेंगे सात चार ग्यारह तो पहले साल में सात से ग्यारह दूसरे साल में छह से सात तीसरे साल में ग्यारह से एक जुड़कर बारह ग्यारह से ग्यारह कट जाएगा सात से सात कट जाएगा छह से एक पर छह से दो पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर सिर्फ एक बचा है और इधर बचा है दो कितना सुंदर सुंदर लिख रहा हूं मैं ठीक है अब यहां से एक बात तो साफ साफ पता लग रही है एक रुपया देकर दो रुपये मिलने का मतलब क्या है जितने रुपए दे रहा हूं तो एक रुपए मिलेगा मतलब एक रुपये की ब्याज भैया इन दो रुपयों में एक रुपया तो वही है जो मैंने दिया है और एक रुपया एक्स्ट्रा ब्याज का है यानी मैंने जितने दिए मुझे ब्याज भी उतने की ही मिल रही है तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मुझे इतने रुपए की ब्याज मिली अगर मुझे इतने रुपए का ब्याज मिलता है तो कितने रुपए दिए तो भाई सब डाटा बता रहा है जितने की ब्याज मिल रही है पैसा उतना ही दिया है यानी कि एक्चुअल में प्रिंसिपल भी यही होगा डायरेक्ट आंसर गेम अरे हाँ गेम भी खिलानी है लो आ जाओ भाई ये एक बार सीरीज खत्म हो जाए थोड़ी सी फिर गेम खिलाते हैं ठीक है इस बार कम से कम तीन बच्चों को आज विनर बनाऊंगा आप में से तीन बच्चों को विनर बनाऊंगा तीन नहीं तो दो तो 100 परसेंट ठीक है क्योंकि बाहर से टीम भी गुस्सा हो जाती है कि सर जी इतना पैसा बांट दोगे तो फिर हम मतलब कैसे क्योंकि देखो तो वो जो मतलब इनकम है सोर्स ऑफ इनकम उस इनकम से सब टीम चल रही है ना यहाँ पे पूरी ठीक है तो इस दानवीर कर्ण के हाथ बांध दिए जाते हैं ठीक है, है? बट हाँ दो तो आज दो नहीं तो तीन मैं खरीदूँ आज ठीक है आज तुम में से कोई तीन जीतने वाले हैं और जिसको नहीं पता कहा गेम है जे भैया कैसे पैसे कहां बट रहे हैं तो थोड़ी देर में अभी गेम स्टार्ट होगी तुम्हें पता ही लग जाएगा अगली बार तुम भी जीत सकते हो ठीक है अभी सिर्फ पढ़ाई करो क्योंकि अभी एग्जाम आ रहा है तो नहीं तो अगली बार से एग्जाम खत्म होंगे तो अगली बार शुरू में ही खिला दिया करूंगा ठीक है बताओ क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दो वर्षों में अपने आप का इतने गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें ठीक है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कुछ रुपए उधार दिए देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है बहुत ध्यान से देखेंगे ठीक है देखिए कुछ रुपए उधार दिए और ये रुपए अपने आप के 1.69 बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई गेम उनकी बात सोचो अभी पढ़ाई कर लो चुपचाप ठीक है जैसे गेम का नाम आता है तुम इधर उधर भटक लेते हो तो भैया इतने रुपए दिए और क्वेश्चन के हिसाब से ये रुपए अपने आप के इतने गुना दो साल में हो रहे हैं कितने साल में दो साल में पर उसने क्या पूछा हमसे हम इस बार हमसे रेट पूछ लिया और रेट तो हमें पता ही नहीं है अब देखो बहुत प्यारी प्यारी बात बताऊंगा उन्हें सुनते रहना देखो आ जाओ जल्दी जल्दी देखो बहुत प्यारी प्यारी सिर्फ मुझे दो मिनट दीजिए उसके बाद कम से कम पंद्रह से बीस क्वेश्चनों को हम पलक झपकते ही सॉल्व कर दें पलक झपकते ही आ जाओ देखो अगर सिंपल एक ही रेट जैसे मैंने कह दिया सोलह सही दो तीन प्रतिशत की रेट है दर प्रतिशत है और टाइम है दो साल यानी दोनों ही साल पहले साल भी यही रेट है और दूसरे साल भी यही सेम रेट जब क्वेश्चन में सिंपल रेट परसेंट पूछ रहा है यानी वो सिंपल एक ही बात कर रहा है कि हर साल एक ही रेट चल रही होगी तो सभी क्वेश्चन जब भी रेट परसेंट पूछी जाती है तो ये समझ लो पहले दूसरे तीसरे जितने भी साल की बात है सब में रेट बराबर ही चल रही होगी तभी तो एक ही बात कर रहा वो अब आप ना सारा दिमाग हटाकर ये समझ लीजिए कि अब जितने भी क्वेश्चन है उनमें हर साल सेम रेट चलेगी अगर पहले साल भी इतना परसेंट यानी एक बटे छ हिस्सा ब्याज का मिलेगा और दूसरे साल भी इसी रफ्तार से पैसा मुझे मिलेगा तो दो साल में होगा क्या पहले इस कंडीशन के हिसाब से मेरा पैसा छह से सात और दूसरे साल में मेरा पैसा छह से सात यही तो होता था कि भाई अगर दो साल है तो मेरा पैसा छह से सात और मेरा पैसा छह से सात इस रफ्तार से बढ़ता था अच्छा सेम रेट है सोलह से ही दो बटे तीन परसेंट पर अगर टाइम तीन साल हो कि भाई हर साल अगर ये रेट चलेगी तो हम क्या करते थे डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन एक बटे छे तो हम क्या देखते थे पहले साल छे से सात दूसरे साल से सात, तीसरे साल छ से सात इस रफ्तार से पैसा बढ़ रहा होता था अब जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर मैं ये जानना चाहूं कि मेरे भाई मैंने जो पैसे दिए वो कितने दिए तो इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई यानी सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स सिक्स का स्क्वायर यानी भाई यहां पे क्या आ जाएगा छत्तीस आ जाता है ना और यहां क्या आ जाएगा फोर्टी नाइन ये क्या था जो शुरू में दिया ये क्या है जो दो साल बाद मिलेगा क्योंकि दो साल की बात है अगर मैं इसकी बात करूं इधर वाले तीनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा दो सौ सो सोलह इधर वाले तीनों मल्टीप्लाई करके तीन चार तीन तो ये क्या है जो शुरू में दिया और ये क्या है तीन साल की बात है तो ये वो पैसा है जो तीन साल बाद वापस मिलेगा अब जो बात समझा रहा हूं वो समझना थर्टी सिक्स का मतलब क्या है सिक्स का स्क्वायर। 49 का मतलब क्या है? सेवन का स्क्वायर। इसकी बात करें तो इधर वाले तीनों का मल्टीप्लाई मतलब सेवन की क्यूब मतलब अगर मुझे यह जानना हो कि मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है यानी रेट जाननी हो तो कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा वो जो रेट कहेगा रेट कहेगा रेट, रेट परसेंट अगर नहीं दी गई तो वो पूछा रेट परसेंट पर ईयर पर ईयर का मतलब होता है क्या होता है है क्या दर प्रतिशत यानी कि मेरा पैसा एक साल में किस रफ्तार से बढ़ रहा है तो एक साल की रफ्तार कौन सी है यही तो है छह से सात हो रहा है एक साल में यहां भी एक साल की रफ्तार मेरे भाई छे से सात हो रहा है पर अगर आपको यह दे ही नहीं रखा आपको सीधा कह दिया कि भाई कुछ रुपए इतने से इतने हो गए दो साल में तो मुझे अगर ये छह से सात यानी एक साल में किस रफ्तार से बढ़ रहा है ये चाहिए तो अगर मुझे दो साल के केस में जानना हो तो फिर भाई इसका मतलब क्या है मुझे स्क्वायर हटाने का मतलब क्या है दोनों तरफ तो रूट करना होगा तो डायरेक्ट अगर आपको मेरा पैसा दो साल में इतने से इतना हो गया है, तो रेट हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है मेरा पैसा तो उसके लिए दोनों तरफ रूट करेंगे तो यहां से सीधा क्या आ जाएगा भाई ये से तोड़ेगा ये से तोड़ेगा छह से सात तो आगे की नहीं आगे भाई एक साल वाली रफ्तार छह से सात इसकी बात अगर मैं करूं कि मेरा पैसा इतने से इतना तीन साल में हुआ है तो अब आप समझ चुके हो कि हर साल किस रफ्तार से बढ़ेगा वो निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब रूट तो सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है दो साल के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट वर्गमूल और तीन साल के लिए दोनों तरफ क्यूब रूट यानी घनमूल करते हैं अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पर आ जाओ यहां तक कोई दिक्कत बहुत बढ़िया मेरे भाई बहुत बढ़िया ठीक है अब एक चीज देखो यार अब मैंने क्या कहा कुछ रुपए इतने से इतने रुपए हो गए ठीक है और ऐसा होने में दो साल लगा है और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना ठीक है वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना तो क्वेश्चन में रेट परसेंट पूछ रहा है ठीक है देखो यहां से यहां तक पहुंचने में दो साल लगे वो एक अलग चीज है पर मुद्दा क्या है ये पॉइंटों में मैंने क्या करा पॉइंट हटाया तो हमने क्या सीखा था नीचे दो जीरो आ जाते हैं ठीक है और रेशो के केस में इधर जब भी नीचे से कुछ उठा कर लाऊंगा तो ये ऊपर वाले के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी सौ इधर आके एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां से हमारे पास एक नया डाटा मिला कि ये सौ बन चुका है और ये वन सिक्सटी नाइन यानि की ये सौ रुपये वन सिक्सटी नाइन बन रहे हैं पर ऐसा होने में दो साल लगे हैं क्योंकि ये बात क्वेश्चन कह रहा है रेट परसेंट दो यहाँ पे रेट परसेंट प्रतिवर्ष नहीं लिखा हो पर एनम लिख 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 के के देगा 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 हमेशा दर प्रतिशत प्रतिवर्ष ज्ञात करो 100 हर बार लिख कर ठीक ठीक है है तो मेरे भाई है? अगर सौ रुपए इतने रुपए हो गए दो साल में तो एक साल में किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो दो साल के लिए हम क्या करेंगे दोनों तरफ तो आप हो सर रूट तो मैं इधर भी रूट कर दूंगा इधर भी रूट तो मेरे पास आ जाएगा दस से तेरा यानी कि एक साल में मेरा पैसा दस से तेरह हो रहा है और दस से तेरह का मतलब दस पर तीन की ब्याज तो दस पे तीन के ब्याज प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई जीरो से जीरो तीस प्रति रेट आ जाएगा एक बार शेयर करके आओ मेरे भाई जल्दी से स्पीड में अब थोड़ी सी हल्की सी स्पीड स्पीड क्या आप समझ चुके हो इस बार क्या कह रखा है अपने आप करते रहो जिसको समझ आ गया वो अपने आप करेगा जिसे नहीं आया वो फिर से देखेगा इस क्वेश्चन को कुछ रुपए इतने से इतने हो चुके हैं कितने समय में दो साल में पूछा क्या गया है रेट परसेंट पर एन पर ईयर दर प्रतिशत प्रति वर्ष कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहला काम पॉइंट हटाएंगे पॉइंट हटते ही नीचे सौ आ जाएगा ये सौ इधर से उठ के क्या होगा इस एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी एक नया डाटा निकल कर आया सौ रुपये एक सौ चवालीस रुपए बन रहे हैं कितने साल में क्वेश्चन तो तो से बढ़ रहा है तो उसे जानने के लिए दोनों रूट कर दूंगा। इधर रूट करते दस आ जाएगा इधर रूट करते बारह आ जाएगा यानी हर साल मेरा पैसा दस से बारह हो रहा है दस रुपये बारह रुपये बन रहे हैं क्यों दस पर दो रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो अगर एक साल में दस रुपए पर दो रुपए मिलेंगे तो प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई हंड्रेड जीरो से जीरो मतलब सौ डाल सौ यहां यानी सौ रुपए दो सौ पच्चीस रुपए हो रहे हैं पर ऐसा होने में दो साल लग रहे हैं तो दोनों तरफ रूट डाल दो यानी हर साल मेरा पैसा दस से पंद्रह हो रहा है अगर दस रुपए पंद्रह रुपए हो जाएंगे भैया कैसे हो गए क्योंकि तो दस रुपए पर पांच रुपए ज्यादा मिल रहे हैं यही मेरी ब्याज है तो दस पर अगर मुझे पांच रुपये की ब्याज मिल रही है तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई हंड्रेड जीरो क्वेश्चन की तरफ इसमें थोड़ा टाइम लूंगा यहां तक मुझे लग रहा है सारी बातें समझ आ रही होंगी है ना आ जाओ अब आपसे क्या पूछ रहे वही फाइंड रेट परसेंट पर एनम प्रति वर्ष अब आप देखोगे कि सत्ताईस रुपए चौसठ रुपए बन गए सिक्सटी फोर रुपीज कितने समय में मेरे भाई तीन साल में कितने समय में तीन साल में अब आपको क्या चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर चाहिए तो मेरे भाई सबसे पहले आप क्या करोगे दोनों तरफ क्यूब रूट आप कहो सर क्यूब रूट क्यों अरे तीन साल की बात है तो तीन साल से एक साल पर आने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे तो ये तीन आ जाएगा ये आ जाएगा आठ यानी मेरा पैसा हर साल तीन से आठ हो रहा है आठ आ हा रहा है हाँ ठीक तो है तीन से आठ बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है एक सेकंड रुको सत्ताईस, तीन तीन होते सत्ताईस अरे ये चार आएगा वही मैं कहूँगा कुछ तो ज्यादा अधिक स्क्वायर थोड़ी है क्यूब है ठीक है तो मेरा पैसा तीन से चार हो रहा है अगर एक साल में तीन रुपये चार रुपे बनने का मतलब क्या है कि एक साल में तीन रुपए पर एक रुपया ज्यादा मिल रहा है और एक बटे तीन कॉपी में देखोगे तो तेतीस सही एक बटे तीन प्रतिशत नजर आ रहा होगा आ जाइए बताइए हाँ भाई बब्बर शेर और शेर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ ये दो साल है दो साल रे रे, रे, रे दो साल यहां पे इसे दो साल बना लो दो, दो साल का क्वेश्चन है बताओ इससे पहले ये वाला क्वेश्चन बताओ ये क्वेश्चन बताओ हाँ भाई खिलाड़ियों बताओ का बात है गई बचपन का प्यार है कौन को बचपन का प्यार धोखा दे गया भैया देखो यार बचपन का प्यार तो मिलता ही किसको है नहीं मतलब ये वाली बात मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ कहीं मैडम जी सुन ले घर पे बैठ के मुझे पता है ऐसे देख रही नहीं होंगी पर दो डर बना रहता है ना यार डर बड़ी चीज है नहीं तो आ जाओ घर तो पे जाके पता लग रहा है कल टीचर जी मैं क्लास ही नहीं लेने आया नहीं यहाँ पर पता लग रहा है कि थोड़ा सा फिर संभल के खेलना पड़ता है साथ हो गई उससे पहले तक तो कुछ भूल जाओ नहीं अब तो नजरें कि कैमरे देखो क्वेश्चन क्या करा है अब यहाँ के ना बहुत तगड़ी दिक्कत बनती है बच्चे के साथ जो समझदार है वो तो बाहर निकल जाएगा इस खेल से अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ दर याद करना है प्रतिवर्ष दर प्रतिशत प्रतिवर्ष दर प्रति वर्ष पर एनम पर ईयर अब आपके साथ एक दिक्कत बनने वाली है और वो दिक्कत क्या है ठीक है मेरे भाई 72 पे 98 हो रहे हैं ठीक है क्वेश्चन कह रहा है दो साल में हो रहे हैं अब आप में से जितने भी खिलाड़ी हैं सबसे पहले क्या करोगे इधर रूट कर दोगे इधर रूट क्यों क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है तो दो साल वाले केस में हम दोनों तरफ रूट करेंगे तो मुझे पता लग गया एक साल में किस रफ्तार से बढ़ रहा है पर यार यहाँ तो भैया दिमाग खराब हो गया मतलब सर में खुजली हो गई क्यों क्योंकि बहत्तर का तो रूट ही नहीं पता अब क्या अब अब क्या करा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई अगर नहीं पता तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें फालतू चीज़ है अब वो फालतू मेटेरियल हटा दीजिए दो से इसे काटेंगे छत्तीस पर जाएगा दो से इसे काटेंगे फोर्टी नाइन पर जाएगा जो फालतू तो हट चुका है यानी एक्चुअल छत्तीस रुपये इतने रुपए बन चुके हैं कितने साल में दो साल में तो हर साल की रफ्तार निकालने के लिए इधर रूट इधर रूट यानी छे से सात एक साल का अगर एक साल में छ रुपये सात रुपए बन रहे यानी छ पर एक ही ब्याज और छ पर अगर एक ही ब्याज है तो एक बटे छोला सही दो बटे तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष अब मुझे लग रहा है सबको समझ आ गया होगा गजब गजब अब आ रहा है सबको आंसर हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से बताओ बताओ जल्दी से खिलाड़ियों हाँ एक बच्चा कह रहा है लाइक कर दो बहुत बढ़िया थैंक यू मेरे भाई इसी तरह से मोहब्बत बरसा देना तुम के क्वेश्चन लाया हूं आ जाओ तुम देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ ये रुपए है और ये रुपए इतने रुपए हो चुके हैं ठीक है अच्छा इससे पहले वाला देख लो लोग क्वेश्चन है इसको तो अभी खा जाएंगे आपके सामने क्या देखा है सात सौ चार रुपए कितने रुपये बन चुके वन थ्री थ्री वन अच्छा कितने समय में दो साल में पर मुद्दा क्या है रेट निकालने के लिए हमें दोनों तरफ रूट करना होगा क्योंकि दो साल को एक साल में कन्वर्ट करने के लिए रूट पर इसका रूट नहीं पता मुझे ना ही इसका अब आप देखोगे तो देखो वन थ्री थ्री वन ग्यारह के पारे में आते और, और चार ग्यारह भी ग्यारह के पारे में तो दोनों ही कही कहीं ना कहीं ग्यारह से कट जाएंगे तो मेरे भाई ये कि ग्यारह से चौसठ पर जाएगा और ये ग्यारह से एक सौ इक्कीस पर चला जाएगा ठीक है यानी सिक्सटी फोर रुपीज एक सौ इक्कीस रुपए बन रहे थे कितने साल में दो साल में अब मुझे पता है मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर का निकालना यानी एक साल में किस रफ्तार से बढ़ रहा है पैसा तो उसके लिए मैं इधर रूट, इधर रूट रूट तो ये ये आ आ जाएगा जाएगा और जाए मेरे भाई यानी एक साल में आठ रुपए ग्यारह रुपए ऐसे थोड़ी बन जाएगी ब्याज मिली आठ पर कितने ब्याज तीन की तो आठ पर तीन की ब्याज तीन बटे आठ क्या लिखवाया था हाँ भाई क्या लिखवाया था सैतीस से है एक बटे दो प्रतिशत थर्टी सेवन वन बाय टू परसेंट और यही हमारा उत्तर आ जाएगा कोई दिक्कत क्या हो गया अच्छा बहुत गजब बहुत गजब मेरे भाई बहुत गजब आ जाइए अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूं मुझे लग रहा है कि तभी बहुत सारी चीजें खत्म हो पाएंगी है ना क्योंकि हल्की सी स्पीड बढ़ जाएगी तो थोड़ा सा माहौल सा बन जाएगा हा भाई एक बार पोल लगवाता हूं आप मुझे बताना इस क्वेश्चन पे बता दो ए हल्की सी स्पीड इंक्रीज कर दो हल्की सी स्पीड या फिर जो अभी चल रही है बी यानी नॉर्मल जो अभी चल रही है एक बार ए और बी ऑप्शन लगवा रहा हूँ क्योंकि फिर इसके बाद आगे स्पीड रखेंगे एक बार स्पीड मतलब जैसा आपको एक बार बोल देता हूँ एक बार एक ऑप्शन लगा दो ए और बी का जल्दी से लो आ जाओ टीम से लगवाना पड़ता है ना यार बाहर बैठी है हमारी टीम ठीक है इधर उधर भागना मत बस मुझे पोल में बताना पोल में यहाँ तो तुम ए और बी कर दोगे ना तो दिखता ही नहीं है इतनी तेजी से ऑप्शन आ रहे होते हैं पोल में कर देना पोल में खिलाड़ियों पोल में चीतो बब्बर शेर और से पोल में बता दो पोल में ए और बी सभी को पोल देना है <coughs> सॉरी पानी पी लो या जब तक जल ग्रहण कर लेते हैं सभी को पोल देना है बताओ हल्की सी क्या है? स्पीड इंक्रीज कर लू अरे कैसे सबके वोट नहीं आती तो एक दो ही वोट कर रहा होता है ऐसे मजा आएगा ये तो बता ही सकते हो कि सर हाँ स्पीड इंक्रीज कर लो किसी को नहीं बताता वहां पे लाइव चैट का एक वो होता है उस पर क्लिक करके आ जाए पोल शायद बताओ बताओ तुम्हें तो मतलब पोल करने में भी दिक्कत हो रही है ये तो भैया बात समझ नहीं आई ए हल्की सी स्पीड ठीक है आ जाओ आ जाओ हल्की सी स्पीड इंक्रीज करने को बच्चों ने कह दिया है ना सबने एक हजार भी वोट नहीं कर रहे तुम कैसे करोगे भाई ऐसे कैसे काम चलेगा चलो जाओ जल्दी से A, हल्की से स्पीड इंक्रीज कर दो और बी जो चल रहा है नॉर्मल आधे घंटे में तुम कमाल देखने वाले धुआं धुआं तो मेरे भाई ये रुपए इतने रुपए बने तीन साल में पर क्या दिक्कत है कि इसका क्यूब रूट क्यूब रूट हमें करना होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा फाइंड रेट पर ईयर ठीक है अब पर ईयर के लिए मेरे भाई प्रतिवर्ष के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा हर बार समझ लेना रेट पूछा तो प्रतिवर्ष पूछे हर बार लिखूंगा नहीं है ठीक है ना यहाँ पे मतलब टाइपिंग में इस तरह छूट गया कि दर प्रतिशत प्रतिवर्ष ही प्रति होगी उसने तो क्यूब रूट इसका भी नहीं पता, इसका भी भी नहीं नहीं पता पता तो हम क्या करेंगे जितना कट कर सकता है काट देंगे काटने बैठे तो दो जीरो से दो जीरो दो से पांच सौ बारह पर कट जाएगा दो से सात सौ उनतीस पर यानी कि ये रुपए इतने रुपए तीन साल में हो रहे हैं मुझे चाहिए एक साल में किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो उसके लिए अगर तीन साल का केस है तो क्यूब रूट और मुझे पता है इसका क्यूब रूट कितना होता है और इसका क्यूब रूट कितना होता है नौ यानी एक साल में आठ रुपये नौ रुपये बन रहे ब्याज और आठ पे एक की ब्याज एक बटे आठ साढ़े बारह प्रतिशत ये कॉपी में लिख लीजिए यह हमारा उत्तर अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं हाँ भाई अगला क्वेश्चन जल्दी से ठीक है ये तो अभी अभी मैंने करके दिखा दिया था आपको ये रहा देखो ये रहा ठीक है ये हो गया हमारा बस ये है कि यहाँ पे दो साल लिख लेना ये गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है आगे आ जाइए लीजिए अब क्वेश्चन क्या करा है कि मेरे भाई कुछ रुपए हैं ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ध्यान से सुनेंगे मैंने किसी को कुछ रुपए दिए और जो रुपए दिए जाते हैं उसे प्रिंसिपल मान के चलते हैं पी ठीक है मैंने कहा भाई साहब ऐसा है मैं उसके पास अगले के पास दो, दो साल बाद पहुंच गया उसकी छाती पर हाँ भाई पैसे तो अगले ने दे दिए जी लो आपके आठ हजार रुपए पैसा दिया मैंने और उसने जो दो साल बाद दिया पैसा ठीक है वो पैसा आठ हजार रुपए उसने दिए पर अगर वो दो साल बाद देता और वही सेम वैल्यू मैं डायरेक्ट पांच साल के बाद उसके पास पहुंचता तो वो मुझे देता सत्ताईस हजार रुपए अब देखो बहुत गौर से सुनना यहां से यहां तक इस वैल्यू को ये नहीं पता कितनी है। पर जो भी होगी उसे दो साल में वो इतनी बन जाती है और यहां से यहां तक उसे कितना टाइम लग रहा है तो आठ हजार से सत्ताइस हजार पहुंचने में भाई पूरा पांच साल है दो साल ये हटा दिए तो यहां से यहां तक तीन साल लगे होंगे बस यानी आपको एक बात समझ आ गई ये वैल्यू इतनी बन चुकी है तीन साल में तो अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो मैंने बताया ना हर साल का पर ईयर के हिसाब से पूछता है तो अगर तीन साल में ये पैसा ये बन गया है तो हर साल किस रफ्तार से बढ़ा होगा तो उसके लिए मेरा भाई पहले तो जो कर सकता है काट दो काट दिया तो आठ से सत्ताइस हो रहा है तीन साल में परंतु दोनों तरफ क्यूब रूट कर देंगे तो मुझे पता लगेगा यह पैसा हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है।, तो है आ जाइए बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बहुत बढ़िया गजब बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन क्या करा है अब ये है अब क्वेश्चन इसमें मजा आएगा हाँ भाई देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा यहां तो और गजब कर दिया इसने आपसे टाइम पूछ लिया क्या पूछ लिया यहां पर आपसे टाइम मतलब देखो मैंने सभी बता दिया आपको एक कुछ क्वेश्चन जिनमें रेट पता था ठीक है फिर दूसरा क्वेश्चन जिनमें रेट पता ही नहीं था अब जिनमें टाइम नहीं पता ठीक है मतलब होता है ना कि टाइम के क्वेश्चन आ जाए तो देखो तरीके तो बहुत सारे हैं पर जो मेरा तरीका वो सबसे अलग है उसे बहुत ध्यान से समझना है देखो क्वेश्चन कह रहा है छे सौ पच्चीस रुपए छह सौ छिहत्तर रुपए हो गए हैं अगर ये किसी चीज का स्क्वायर है तो और ये भी किसी चीज का स्क्वायर है तो हमें पता है स्क्वायर कब बनता है जब दो साल क्या केस रहा होगा तो क्वेश्चन में पक्का पक्का टाइम दो साल का होगा मतलब ज्यादा सोचना ही नहीं है ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी ठीक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्वेश्चन कह रहा है आठ सौ रुपए एट एट्टी टू बन गए हैं अब देखो सबसे पहले कुछ कट रहा हो ना तो हमेशा काट लेना दो से से काटूंगा चार सौ पर दो से से काटूंगा फोर फोर्टी वन पर अब आप देखोगे क्या ये किसी चीज का स्क्वायर है पक्का अगर क्यूब होता तो तीन साल होता और ये किसी चीज का स्क्वायर है पक्का एक चीज़ का यानी हंड्रेड परसेंट टाइम जो है दो साल है अगर आपको चेक करना हो ना रीचेक कि भैया ये सही भी जा रहे कि नहीं तो चेक कर सकते हो देखो चार कितना होता है वन बाय ट्वेंटी से छब्बीस पहले साल दूसरे साल में 25 से छब्बीस अगर दो साल का केस होगा ना तभी छह सौ पच्चीस रुपए बन रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ बताओ तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में दे रखा है कुछ रुपए कितने रुपए दस हजार रुपए कितने बन चुके हैं 133, 10। सबसे पहली बात कितने समय में बने उससे पहले कुछ कट रहा है कॉमन काट दो जीरो कट गया मेरा ये जो वैल्यू है वो दस का क्यूब है और ये वैल्यू ग्यारह का क्यूब यानी पक्का पक्का तीन साल आगे बढ़ो यहां सबसे ज्यादा बच्चों दिक्कत आती है क्यों देखिए क्वेश्चन में कहा गया कुछ दस हजार हो रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या जीरो से जीरो हटा दो हटा दिया अब आपको जितना सिखाया गया है दस की पावर तीन यहां पे ग्यारह की पावर तीन यानी क्वेश्चन के हिसाब से तीन साल अच्छा जो ये पावर होती है ना ये क्या दर्शाती है कि हमारे को तीन बार ब्याज मिली है कितनी बार तीन बार आप इसका डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो या जिस तरह से मैं समझा रहा हूं अगर पूरे पूरे साल बाद मिल रही है तो टोटल तीन साल में मिली होगी तीन बार ब्याज पर क्वेश्चन के हिसाब से अर्धवार से यानी आधे आधे साल बाद ब्याज मिल रही है तो आधे आधे साल बाद ब्याज मिली है तो तीन बार ब्याज कितने समय मिल गई होगी आधा छह महीने फिर आधा और छह महीने पूरा साल हो गया फिर आधा और यानी डेढ़ साल यानी कि डेढ़ साल में हमें तीन बार ब्याज मिल चुकी होगी या फिर टोटल टाइम को ना अर्धवार्षिक में आधा कर देते हैं जो नॉर्मल आपको टीचर रटवा देते हैं पर ये रटने का केस नहीं है भाई होता क्या है पैसा कैसे बढ़ा हुआ दस से ग्यारह दस से ग्यारह दस से ग्यारह ये थोड़ी हर बार एक साल में बढ़ता है दस ग्यारह पहले छह महीने में दस से ग्यारह दूसरे छह महीने में दस ग्यारह तीसरे छह महीने में क्वेश्चन तो यही तो कह रहा है कि हर छह महीने बाद ब्याज ले जाएगी तो क्वेश्चन का आंसर डेढ़ साल यानी ऑप्शन ए किसी को डाउट कोई दिक्कत नहीं है आगे चलें लीजिए हाँ भाई बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे आ जाइए क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर यह है लाजवाब ऑसम क्वेश्चन है मजेदार मजा आ जाएगा मजा यूं कह जाओगे कि गुरुजी क्या बात है पर इसको मैं तीन तरीकों से कराऊंगा भैया ज्यादा नहीं दो मिनट लूंगा तीनों तरीके समझाने में जोन सा बेहतर लगे उस तरीके से खुद कर लेना ठीक है वैसे तो मैं बता दूंगा कि किससे करना है लास्ट में देखो पहला तरीका क्वेश्चन के अंदर कुछ चार सात सालों में पैसा अपने आप का फोर टाइम्स यानी चार गुना हो रहा है तो मैंने माना इस सिंगल टाइम पीरियड में इस सात साल के सिंगल टाइम पीरियड में कुछ रुपए अपने के चार गुना हो रहे हैं तो अगले सात साल के इस सिंगल टाइम पीरियड में फिर से पैसा चार गुना हो जाएगा ठीक है और क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो भी पैसा है अपने आप का चौसठ गुना 64 times, कितने टाइम में हो जाएगा तो मेरे भाई देखो अगले सात साल में फिर से यह अपने आप का चार गुना हो जाएगा पर मुद्दा क्या है जब आप इधर वाले तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां एक होगा और यहां तीनों का मल्टीप्लाई करके सिक्सटी अगर नहीं होता ना इधर सिक्सटी फोर तो एक बार और करके देख लेते तो मैंने देखा मेरा पैसा अपने आप का चौसठ गुना हो चुका है बात ठीक है पर कितने साल में सात और सात चौदह और सात इक्कीस ये वो तरीका है जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते क्यों क्योंकि इस तरीके से तो हमने सारे क्वेश्चन करे हैं ये तो क्या पहला तरीका अब दूसरा तरीका देखो फिर आएंगे तीसरे तरीके पर कुछ पैसे दिए और वो पैसे अपने के चार गुना हो गए साल में बात ठीक है अब जो बढ़ी हुई ये वैल्यू होती है ना यही अपने आप की फिर से चार गुनी हो जाएगी अगले सात साल में तो ये चीज चार गुनी होने का मतलब क्या चार की पावर दो हो जाएगी अगले सात साल में या फिर इसे ऐसा लिख सकते हो कि अगले सात साल में फिर से चार गुना तो ये दोनों चीज बराबर होनी चाहिए तो यहां भी चार की मल्टीप्लाई तो यहां भी तो जिस ऐसे चार गुना चार, चार का स्क्वायर और ये चार एक चार तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं अगले सात साल में फिर से चार गुना अब हम आगे क्यों बढ़े क्योंकि चार की पावर दो तो सोलह ही होता है तो अगले सात साल में फिर से इसका चार गुना यानी ये जो भी चीज लिखी है उस चार मल्टीप्लाई मतलब है चार की पावर तीन चार की पावर तीन होता है यानी जो पैसा है वह है अपने आप का चौसठ गुना यानी सिक्सटी फोर टाइम्स हो चुका है सात और सात चौदह और सात कितने साल में इक्कीस साल में कितने साल में मेरे भाई ये इक्कीस साल में ऐसा हो चुका है यहां तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है ओके अब हम इसे मिटा देते हैं ये हो गया एक और तरीका अब आ जाते हैं हम जिस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं देखो जो आपके दिमाग में फिट हो जाए ठीक है क्वेश्चन क्या करा है कुछ रुपए अपने आप के चार गुना हुए यानी आपने एक चीज देखी इस वाले में कहा गया हाँ इस तरीके में एक चीज देखी इसी सिंगल यूनिट टाइम पीरियड में चार की एक पावर बढ़ी दो पावर बढ़ गई अगले और सात साल में ठीक है।, है और उससे अगले सात साल में तीन पावर बढ़ चुकी थी यानी कि एक सिंगल टाइम पीरियड में एक पावर बढ़ती है अगले और उतने ही सिंगल टाइम पीरियड में एक पावर और बढ़ जाती है तभी तो पहले साल मेरे भाई छे से सात रुपए पहले साल में मेरा पैसा छे से सात जो हमने पिछले क्वेश्चन देखे थे अगले साल फिर से छ सात सात तो हम देखते थे एक साल में तो छह की पावर है एक सात की पावर है पर दो साल बाद देखते तो छे की पावर दो और सात की पावर दो तीन साल में छे की तीन सात की तीन तो यही सेम चीज अब हम फॉलो करेंगे देखो क्वेश्चन कह रहा है कुछ रुपए अपने आप के चार गुना हो गए यानी चार की एक पावर हो चुकी है ऐसा होने में सात साल लगे हैं क्वेश्चन चाह है वो चौसठ गुना चौसठ यानी चार की पावर तीन तो एक पावर जो ये एक पावर है उसे इंक्रीज होने में सात साल लगे तो तीन पावर बनने में यानी तीन की मल्टीप्लाई यहां तीन के यहां तो कितना समय लगा होगा सात ये इक्कीस साल बस ये हमारा आंसर हाँ भाई आया कि नहीं आया समझ अच्छा थोड़ी स्पीड बढ़ा दू लो तो क्वेश्चन क्या करा है अपने आप का तीन गुना यानी तीन की एक पावर आठ साल में ठीक है क्वेश्चन पूछ रहा है सत्ताइस इक्यासी गुना एट्टी वन टाइम्स एट्टी वन यानी तीन की पावर चार तो एक पावर कितने साल में बढ़ी आठ साल में तो चार पावर तो चार यहां चार यहां मल्टीप्लाई तो चार पावर मेरे भाई बत्तीस साल में बढ़ जाएगी ये हमारा आंसर ठीक है अगले क्वेश्चन पर आ जाइए यहां क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में तो शायद ही आप में से कोई कर पाएगा 99% बच्चे आप गलत आंसर दोगे इसका 99% गलत आंसर दोगे गलत हाँ भाई नाइन्टी नाइन परसेंट आप इसका गलत आंसर दोगे क्यों यकीन है कैसे यकीन है और मेरे भाई जो यहाँ बैठा है ना वो सिलेक्शन लेने वाला है हंड्रेड एंड टेन परसेंट वाला एक होता है सौ प्रतिशत यहाँ तो उससे भी ज्यादा वाली ठीक है हर किसी के बस की नहीं होती सिलेक्शन लेना युद्ध तो सब करते हैं भैया युद्ध में तो सारे चले आए और आज तो मैं लड़ूंगा और लड़के चुपचाप भागने वाले बहुत सारे होते हैं तो भैया युद्ध में आकर आखिर जंग तक लड़ते जो रहेगा वही विजेता है तो आप उन सारे सारे विजेता जो अभी तक पढ़ रहे हो और हमेशा रोज रात के नौ बजे के लिए नेट बचा के रखा करो रोज रात नौ बजे के लिए नेट को क्या रखना है बचा के रखना है ठीक है आ जाइए लीजिए अच्छा इस क्वेश्चन में कहा दिक्कत बन रही होगी आपके साथ ऐसा तो नहीं है मैं इस टी शर्ट में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हूं है? थोड़ा वो तो नहीं लग रहा है? मोटा सा या हमारी वो वाली टी शर्ट टॉप तक वाली गीली थी यार और वो सूख ही नहीं पाई देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कुछ रुपए अपने आप के आठ गुना आठ गुना है, क्या रखा है ना कितने साल में हो गए तीन साल में यानी आठ की एक पावर क्वेश्चन एक सौ अट्ठाईस आठ की एक पावर आठ ही होता है आठ की दो पावर होता है चौसठ और आठ की तीन पावर होता है पांच सौ बारह यहां तो हम आठ की पावर तीन तक पहुंच गए एक सौ अट्ठाईस का तो अता पता ही नहीं है ये तो कहीं बीच में पड़ा ही नहीं है अब का अब क्या करा जाए तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है नहीं पड़ा तो कुछ तो जुगाड़ निकाला जाएगा तो देखो तो अपने आप का आठ गुना हुआ तीन साल में क्या मैं ये पता लगा सकता हूं यह पैसा हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है बिल्कुल लगा सकता हूं कैसे अगर यह चीज इतनी तीन साल में हुई है तो मैं दोनों तरफ क्यूब रूट कर दूंगा आप सर क्या बात है बात तो सही है भाई इससे हमें पता लगेगा हमारे पास रेशो निकल कर आए एक से दो पर ये जो रेशो है ये एक साल का है मेरे भाई ये जो रेशो निकल कर आया कि मेरा पैसा एक से दो हो रहा है ये कितने समय में हो रहा है ये हो रहा है मेरे भाई एक साल में यानी कि अपने आप का डबल का मतलब एक पावर एक साल में हो रही है दो की एक पावर एक साल में एक सौ अट्ठाईस क्या होता है मेरे भाई दो की पावर सात तो एक पावर होने में दो की एक साल लग रहा है और उसी दो की सात पावर होने में सात गुना ज्यादा सात साल लग जाएंगे हमारा आंसर आ गो हाँ भाई किसी को कोई डाउट जवान लग रहे हो सर जी हैं है ये बात कही सही बात इसका मतलब और दिन में बूढ़ा लगा करता था तुम ना तो यार बिल्कुल ही वो कर दी कुछ मतलब तुम तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन फेंक रहे हो कि एक इंसान टी शर्ट पहनकर जवान लग रहा है तो क्या कल वो बूढ़ा था क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का है मतलब कल तक क्या हम बूढ़े थे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से देखिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह क्या रहा है क्वेश्चन कह रहा है कुछ रुपए उधार दिए गए ये रुपए तेरह साल में मेरे भाई कितने हो गए तीन हजार रुपये और यही सेम वैल्यू छब्बीस साल में कितनी हो जाती है मेरे भाई छह हजार रुपये ठीक है अब आप ध्यान से देखेंगे देखो यहां से यहां तक तेरह साल लग रहे हैं तो आगे भी यहां से यहां तक पहुंचने में तेरह साल लगे हैं ठीक है बात बिल्कुल ठीक है अब आप एक चीज ध्यान से समझेंगे अगर मैं इन दोनों को काटता हूं तो तीन से एक पर तीन से दो पर तो आप यह देखोगे कि मेरा पैसा अगर इस तेरह साल में अपने आप का डबल हुआ है अभी तक हमने क्या सीखा है कि हमारा पैसा इससे जो पीछे समझा था हमने कि अगर पहले सात साल में चार गुना हो रहा है ठीक है तो अगले सात साल में भी चार गुना और अगर अगले सात साल में चार गुना हुआ इसका मतलब उससे पहले भी चार गुना ही हुआ था यानी अगर ये इन सालों में डबल हुआ है तो इससे पहले वाले तेरह साल में भी डबल ही हुआ होगा इसी रफ्तार से तो बढ़ेगा और इस डबल का मतलब क्या है कि अगर मैंने शुरू में किसी को एक दिया तो तेरह साल बाद वह दो रुपए बन जाएंगे पर क्वेश्चन में कहा गया है कि तेरह साल बाद वो तीन हजार रुपए बन चुके थे इस दो से डेढ़ गुना ज्यादा तो इसी प्रकार जो शुरू में पैसा दिया गया वो एक ना होकर डेढ़ हजार गुना ज्यादा डेढ़ हजार रुपए रहे होंगे हाँ भाई मजा आ रहा है तो लाइक जल्दी से लाइक में जाएगा इतनी कमी, में इतनी कमी? है? बड़े बूढ़ों की तो इतनी इज्जत कर ले करो बड़े बूढ़ों को तो लाइक पाइक तो दे दिया करो आ जाओ वैसे एक बात बताऊं ये लाइट यही है, है जो हमें जवान दिखा देती है कैमरे के सामने तो बूढ़े तो सारे हो रहे हैं। और वो टीचर बूढ़ा नहीं हो तो कौन होगा पढ़ा पढ़ा के खत्म रात में देखो सोने का टाइम नहीं बच्चा तो ठीक है तुम तो बैठे बैठे अपना ठीक है रिलैक्स गए नहीं पर ये जवानी भी है तुम्हारी हम तो यहाँ पे चालीस साल का तो मतलब एक दो साल बचे होने में आ जाओ बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कुछ रुपए कुछ रुपए सात साल में छह हजार रुपये हो जाते हैं और यही रुपए मेरे भाई चौदह साल में नौ हजार रुपये हो जाते हैं चौदह साल में नौ हजार रुपये यानी यहां से यहां तक सात साल और आगे भी यहां से यहां तक पहुंचने में सात साल लगे होंगे ठीक है बिल्कुल ठीक बात है अब आपको एक बात होता अगर मैं इनका रेशियो निकाल लूं तो आपको नजर आएगा ये तीन से दो पर कटेगा और ये तीन से तीन पर यानी इन सात सालों में मेरा पैसा दो से तीन इस रफ्तार से बढ़ रहा है तो इससे पहले सात साल में भी मेरा पैसा दो से तीन हुआ होगा यानी शुरू में मैं किसी को दो रुपए दू तो मेरा पैसा इस रफ्तार से बढ़ रहा है कि वो सात साल में तीन बन जाएगा पर क्वेश्चन कह रहे हैं तीन नहीं बन रहा सात साल बाद वो छह हजार बन रहा है इससे दो हजार गुना तो इसी प्रकार शुरू में जो दिया गया होगा वो भी दो ना होगा उससे दो हजार गुना ज्यादा चार हजार रुपए रहा होगा अगले क्वेश्चन पर हाँ भाई ये आंसर तो सबका आ रहा होगा अच्छा बहुत बढ़िया ठीक है वैसे तुम खामा खा का जोश दिखा दो तो, अभी थोड़ी देर में गेम खिलाऊंगा ठीक है आ जाओ क्वेश्चन कह रहे हैं कुछ रुपए उधार दिए गए ठीक है मेरे भाई दे दिए हमने आ जाओ यहाँ पर कुछ रुपए उधार दिए गए ये रुपए ग्यारह साल में अभी अभी तुमने खुद कहा था थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो इसलिए स्पीड बढ़ा रखे कितने बन जाते हैं पैंतालीस और यही रुपये मेरे भाई बाईस साल में कितने बन जाते हैं ठीक है यही रुपए बाईस साल में सिक्स सेवन फाइव जीरो बन जाते हैं ठीक है यानी यहां से यहां तक पहुंचने में ग्यारह साल लगे और आगे यहां से यहां तक पहुंचने में ग्यारह साल और लगे ठीक है ना बिल्कुल ठीक है अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे बहुत गौर से गौर फरमाइएगा कि मेरे भाई अगर मैं इन दोनों का क्या निकाल लू रेशो तो आप देखोगे फाइव से गाल लो फिफ्टीन से गाल लो फिफ्टीन से ये तीस पर चलाएगा फिफ्टीन से फिफ्टीन फोर सिक्स तो मेरे 15 से थ्री पर, पर तो आप क्या पता लगा पाए किसी को दो रुपए दे दूं तो 11 साल उससे तीन रुपए लूंगा ही लूंगा क्योंकि इस रफ्तार से पैसा बढ़ रहा है पर क्वेश्चन कि ग्यारह साल बाद शुरू के ग्यारह साल बाद मुझे पैंतालीस रुपए वापस मिल रहे हैं इससे कितने गुना आया था? इससे पंद्रह सौ तो इसी प्रकार जो शुरू में पैसा दिया गया वह भी दो ना होकर उससे पंद्रह सौ गुना ज्यादा तीन हजार रुपए रहा होगा किसी को डाउट बहुत गजब बहुत गजब आ जाइए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे क्या हो गया अच्छा हाँ भाई बताओ बताओ लाइक कर दो चार हजार तो लाइक पहुंचा दो चार हजार लाइक पहुंचा दो तो मेरे ऐसे बड़े बड़ बूढ़े का आशीर्वाद लगेगा आ जाओ देखो यार अब जो क्वेश्चन अभी बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लो हाँ भाई वेरी, वेरी 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 इंपोर्टेंट अपनी कॉपी में लिख लीजिए ठीक है अरे तुम तो इतनी देर में हल्के पड़ गए हैं देखो कोई सा यूं तो नहीं सोना बाबू का मैसेज आ गया हो कि मुझे आ रही है नींद और तुम्हारा मैसेज ना आ रो मुझे तुम्हारे मैसेज के बिना नींद ना आ रही मैं ना सो रही आज है ऐसा तो कोई सा ऐसा है नहीं खिलाड़ी यूँ सो रहा हो यार आज तो यार मैसेज रिप्लाई नहीं दूंगा मेरे भाई जॉब लगाओ पूरी जिंदगी साथ बिताना एक ना उन्ना राय भी आएगा देश में जो हमसे पड़ेगा और हमारी भी कुछ इनकम में फिर इंक्रीमेंट होगा इधर देखो अभी जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही बता रहा हाँ इसी वाले पे आगे ना बिल्कुल डिफरेंस वाले पे आ जाओ बहुत बार बता चुका हूं और मैं फिर से बता रहा हूं जब भी कभी दो साल की बात हो रही होती है किसी क्वेश्चन में और रेट परसेंट कुछ भी हो पर टाइम दो साल हो तो सी आई SI का अंतर हमेशा परसेंटेज में वो भी ऐसा नहीं है सिंपल हमेशा परसेंटेज में आएगा क्या निकल कर आएगा जैसे अगर रेट दो परसेंट है तो सी आई एस आई का अंतर इस वाली वैल्यू का स्क्वायर बटे में सौ और किसी भी चीज के नीचे सौ लिखा है यानी कि

तीन नौ बटे सौ प्रतिशत ये होगा सीआईएसआई का अंतर दोनों की बात सेम है ठीक है चार परसेंट केस में चार के 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 चौक सोलह दो के आगे पॉइंट पॉइंट सोलह परसेंट पांच परसेंट के पांच पंजे पच्चीस पॉइंट पच्चीस परसेंट छ प्रतिशत के केस में छे चे छत्तीस पॉइंट छत्तीस प्रतिशत ऐसे सात के में आ जाता है आठ के में आ जाता है ऐसी नौ प्रतिशत केस में आता है नौनिमी इक्यासी दो के आगे पॉइंट तो पॉइंट इक्यासी प्रतिशत हमेशा परसेंटेज में होता है 10 परसेंट के केस में 10 का स्क्वायर 100 और 100 बटे 100 एक तो एक प्रतिशत सी आई एस आई का अंतर सी आई क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा ही साधारण ब्याज अब इस क्वेश्चन को और गौर से समझ पाएंगे क्वेश्चन पर आ जाइए ठीक है देखिए थोड़ा स्पीड में पहला क्वेश्चन बहुत ही आराम से सिखाने वाला हूं क्योंकि मुझे पता है कुछ नया है तो आप थोड़ा सा घबरा भी सकते हो तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कुछ एक हजार रुपए नौ प्रतिशत यानी जो रुपए दिए गए हैं वो रुपए हैं एक हजार रुपये पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन ठीक है जो रुपए दिए गए हैं वो एक हजार रुपये हैं रेट जो चल रही है वो नौ प्रतिशत वार्षिक तो मेरे भाई रेट परसेंट क्या है नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्षों के साधारण ब्याज यानी टाइम जो है दो साल तो अब जो पूछा गया है वो सीआई और एस SI का अंतर पूछा ब्याज ब्याज और साधारण का देखो वैल्यू क्या निकल कर आएगी वो एक अलग चीज है पर अगर मैं ये जानना चाहूं कि जो है SI है वो कितना परसेंट है? जो पैसा दिया उसका कितना प्रतिशत तो मेरे दो साल के केस में हमें क्या करना होता है नौ का स्क्वायर इक्यासी यानी जो भी पैसा दिया है उसका पॉइंट इक्यासी प्रतिशत यानी जो ये पैसा दिया है इसका पॉइंट इक्यासी प्रतिशत पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 ठीक है प्रतिशत हटा देंगे नीचे 100 और चला जाएगा एक दो तीन जीरो से एक दो तीन जीरो कट जाएंगे ऊपर 81 रह जाएगा नीचे ये वाला 10 बचेगा जिस वजह से पीछे से एक के आगे पॉइंट यानी C.I. और S.I. का अंतर 8.1 आ चुका है ऑप्शन वन किस किसका आ गया भाई सर गेम शुरू करो अगर इस क्वेश्चन का इन सभी क्वेश्चनों का एक बार पोल लगवाता हूं एक बार पोल लगवा देता हूं है ना एक बार ना पोल लगाते रहोगे थोड़ा सा है ना तो अगर इन क्वेश्चनों का आप बिल्कुल सही सही जवाब दोगे इन क्वेश्चनों का बिल्कुल सही सही जवाब दोगे तो मेरे भाई जरूर ठीक है ओके आ जाइए हाँ भाई बताओ और हाँ मेरे भाई रोज छे बजे अगर कोई क्लास अपनी हंड्रेड पूरे मार्क्स लाना चाहता है तो रोज छे बजे ललित सर की क्लास होती है गजब सी और इसी तरह से आठ बजे सुशील सर की भी होती है रात में तो मेरे बहुत गजब सी क्लास ले रहे हैं आजकल सर बजे तो आप इस क्लास को लिया करो बहुत ज्यादा मजा आएगा ठीक है आ जाइए क्वेश्चन क्या कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ऑफ थ्री थाउजेंड रुपीज फॉर टू ईर्स एट फोर पर एनम इज तो देखिए क्वेश्चन में क्या देखा है साफ साफ दो इसकी जरूरत प्रिंसिपल ठीक है सोलह यानी पॉइंट सोलह प्रतिशत यानी इसका इतना परसेंट सी आई और एस SI आई का अंतर बता देगा सी आई चक्रवृति ब्याज एस SI, आई साधारण ब्याज पॉइंट हटाया नीचे सौ प्रतिशत हटाया मेरे भाई दो जीरो और तीन से तीन कट गए है अरे आंसर तो सबका आ रहा है तुम्हारा है यही था क्या ऑप्शन फैल ही था ठीक है अब लो थोड़ी स्पीड बढ़ाए देख सबका आ रहा है तो छसेंट रेट तो छ का स्क्वायर छत्तीस तो मेरे भाई इस बार जो पैसा उधार दिया है वो नहीं बताया जो पैसे दिए वो नहीं पता पर मुझे पता है कि जी जो भी पैसा दिया है उस पैसे का इतने परसेंट के हिसाब आएगा वही सी आई एस आई का अंतर होना चाहिए ये पैसा पर यह पैसा इतना पैसा है कि इसका पॉइंट छत्तीस परसेंट क्वेश्चन करा छत्तीस आएगा तो ठीक है मेरे भाई निकाल दो एस पी की वैल्यू तो सबसे पहले आप क्या करोगे पॉइंट हटाओगे नीचे सौ प्रतिशत हटाओगे सौ के लिए दो जीरो और आ जाएंगे छत्तीस से छत्तीस कट गया प्रिंसिपल कितना आ जाएगा ये उधर उठकर चलाएगा। जाएगा एक दो तीन चार ये हमारा आंसर अगले क्वेश्चन पर आते हैं ठीक है इस क्वेश्चन में भी जो पैसा दिया गया है वो हमें नहीं पता जो पैसा दिया गया नहीं पता पर ये दे रखा है जो रेट है वह कितनी है चार जो रेट है वह कितनी है चार तो अब आप ध्यान से देखिए चार रेट है तो मुझे पता है सी आई माइनेस ऐसा ही कितना इसका स्क्वायर जो भी है उसमें दो के आगे पॉइंट यानी ये जो भी पैसा दिया उसका पॉइंट सोलह परसेंट और क्वेश्चन कह रहा है कि ये इतने रुपए हैं इसका पॉइंट सोलह परसेंट अड़तालीस रुपए होना चाहिए कितना होगा अड़तालीस रुपए सोल्व कर दो पॉइंट हटाएंगे नीचे दो जीरो प्रतिशत हटाएंगे नीचे दो जीरो सोलह से मेरो तीन पर जाएगा और ये उधर चलाया प्रिंसिपल कितना आ गया एक दो तीन चार ठीक है अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब ये क्वेश्चन इसमें आपको तकलीफ आ सकती है थोड़ी सी थोड़ा समझना पड़ेगा <coughs> इस क्वेश्चन में ये तो बता रखा है कितने रुपए उधार दिए गए तो रुपए दिए गए पांच हजार रुपए उधार रेट का नहीं पता तो रेट को अगर मैं आर परसेंट ही मानकर चल लू मैंने रेट को क्या मान लिया आर परसेंट तो उस केस में सीआई मैने एस आई का अंतर क्या होता था जो भी रेट चलती थी उसका स्क्वायर बटे में सौ भाई अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट हमने क्या करते थे जो भी रेट चलती जाए है तो चार का स्क्वायर बटे में सो प्रतिशत तभी तो मेरे बटे सौ सो सोलह बन जाता था वही सेम चीज जो भी रेट चलती है उसका स्क्वायर बटे सौ प्रतिशत यानी ये जो पैसा है कौन आ रहा है किसी ये जो पैसा है उसका इतना परसेंट हिस्सा मुझे सी आई एस आई का अंतर मिलेगा तो ये जो पैसा वो इतना है कि इसका इतना परसेंट मुझे बहत्तर रुपए मिलना चाहिए

सारे के सारे इस बार सिलेक्शन लेने वाले हंड्रेड परसेंट अगर इतनी मेहनत करते रहे तो इसकी मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं इस बार तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इस बार तुम्हारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता ठीक है क्वेश्चन क्या है आगे चलते हैं क्वेश्चन में क्या करा है कि इस बार जो रुपए दिए गए हैं एक हजार रुपए दिए गए ठीक है अब रेट परसेंट फिर से बतानी है इंटरेस्ट पर एनम ठीक है अब मुझे नहीं पता रेट परसेंट क्या है पर मुझे पता है कि क्वेश्चन में जो दिया गया है वो CI और SI का अंतर है अगर मुझे CI SI का अंतर निकालना है तो जो भी रेट है उसका स्क्वायर करूंगा बटे में सौ लिखूंगा और प्रतिशत का साइन लगाऊंगा यानी इसका इतना निकाल लो मुझे CI SI का गैप मिल जाएगा और जो गैप मिलेगा वो 10 के बराबर होगा इस तरह की कोई आर की वैल्यू रही होगी प्रतिशत हटाया नीचे 100 आ चुका है ठीक है 1 2 3 1 2 3 ये दस दस से गुणा होकर आर का स्क्वायर कितना बना देगा सौ अब आर का स्क्वायर उधर जाके रूट डालेगा जिस वजह से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी दस हमें परसेंटेज में चाहिए इधर परसेंट इधर परसेंट तो दस प्रतिशत हमारा उत्तर आ चुका है अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं इस वाले पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से मैं जल्दी से आपको इस चीज को बताना चाहूंगा एक फॉर्मूला होता है शायद बहुत बार मैंने बताया और इस पे क्वेश्चन बनेगा बनेगा जो अब बता रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन हंड्रेड इस फॉर्मूले का मतलब क्या है ये पूरा पूरा सी का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है जैसे रेट है तीन परसेंट और मैंने किसी को दे दिए मैंने किसी को एक हजार रुपये उधार दे दिए और रेट है तीन परसेंट रेट यानी दर प्रतिशत तीन परसेंट पर की पैसा दे दिया जो उधार पी मतलब पैसा समझ लो पैसा उधार दे दिया एक हजार। तो जो मुझे टोटल सीआई चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो कितना होगा बताओ मेरे भाई जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो कितना होगा बताओ पता लगे कि किस किस को आता है तो देखो अगर इसको आप ऐसे करो ना तीन बटे सौ तो इस तरह से तो बहुत टाइम लग जाएगा तीन बटे सौ तो फिर सौ से एक सौ तीन फिर सौ से एक सौ तीन फिर तो आप बहुत ज्यादा लंबे मेथड से जाने वाले हो जब भी आपको तीन सात इस तरह की ग्यारह परसेंट ऐसी कोई परसेंटेज आ जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ये फॉर्मुला क्या होता है ये ए यानी पहले साल साल जो जो रेट रेट चल चल रही रही है है बी दूसरे और वही पहले और दूसरे साल के ब्याज का मल्टीप्लाई अब रेट ही है पहले साल की भी तीन तो पहले दोनों को प्लस करना है फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे सौ दो ये जो हिस्सा है ना ये हिस्सा जो होता है ये हमारा होता है अभी इतना टाइम नहीं बट फिर भी बताए सी आई माइनस एस आई का अंतर भैया देखो पहले और दूसरे साल की ब्याज का मल्टीप्लाई यानी तीन, तीन, तीन बटे सौ और इसे सी आई तो इस तो आ जाता है बस इतना सा सिंपल फॉर्मूला क्या, क्या कहता है पहले साल और दूसरे साल की ब्याज को प्लस फिर उसके बाद पहले और दूसरे साल की ब्याज का मल्टीप्लाई बटे सौ यहाँ से हमारे पास निकल कर गया तीन और तीन छीन तीन नौ नौ बटे सौ यानी पॉइंट जीरो नौ यानी अगर जो भी पैसा दिया गया है उसका इतना प्रतिशत हमें पता लग जाए कितना होगा वही हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज तो पैसा दिया गया था ये इसका 6.09 परसेंट निकाल लेंगे। निकालेंगे मतलब डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू के पॉइंट हटाया नीचे 100 आ गया प्रतिशत हटाने पे दो जीरो और एक दो तीन जीरो से एक दो तीन जीरो कट चुके हैं छह सौ नौ बटे दस यानी पीछे से एक आगे पॉइंट किसी को डाउट अरे वाह बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया अब सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था भी हाल फिलहाल में बच्चों ने कराई नहीं, करा नहीं। सबसे प्यारा सा क्वेश्चन था क्वेश्चन में क्या कहा गया कुछ रुपये उधार दिए गए पंद्रह परसेंट के हिसाब से तो मेरे भाई देखो हम करते क्या है? रेट जो भी चल रही थी हम क्या करते हैं पहले साल की ब्याज प्लस में दूसरे साल की ब्याज फिर मेरे भाई सी वाला केस या फिर आप ऐसे याद रख लो अगर आपको याद ना रखे दो साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना होता है साधारण ब्याज में भाई पहले ही साल पंद्रह दूसरे साल ही पंद्रह तो दो साल का साधारण ब्याज हो गया तीस परसेंट अब इस तीस परसेंट में सीआई और एसआई SI का जो गैप है यानी सीआई कितना एक्स्ट्रा होगा इस साधारण ब्याज से वो होता है इसका स्क्वायर बटे में सौ भाई सीआई और एस SI का गैप ही तो होता है सीआई माइनस एस और वो होता है क्या जो भी रेट चल रही है उसका स्क्वायर बटे सौ यानी दो बटे यानी तो तो इस 30 में दो तो मेरे आ में कर लेना। पहले साल की ब्याज प्लस दूसरे साल की ब्याज प्लस में पहले और दूसरे साल की ब्याज का मल्टीप्लाई बटे में सौ और सारा का सारा परसेंटेज पंद्रह पंद्रह तीस प्लस दो सौ पच्चीस बटे सौ यानी टू पॉइंट टू फाइव यानी बत्तीस पॉइंट पच्चीस प्रतिशत और ये परसेंटेज किसकी निकल कर आई है जो भी पैसा दिया गया है पता तो नहीं है कितना दिया है पर उसका अगर मैं बत्तीस पॉइंट पच्चीस प्रतिशत निकालूंगा तो मुझे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता लग जाएगा पर क्वेश्चन करा है ये रुपए इतने हैं कि इनका बत्तीस पॉइंट पच्चीस परसेंट थ्री टू टू फाइव के बराबर होगा बत्तीस सौ पच्चीस के बराबर होगा बस सोल्व कर दीजिए देखो पॉइंट हटेगा नीचे सौ आएगा प्रतिशत हटेगा नीचे एक सौ और आ जाएगा इस पूरे से पूरा कर जाएगा। और प्रिंसिपल डायरेक्ट और इतना आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में आता और सभी बच्चों ने ये छोड़ दिया था सभी बच्चों ने ये छोड़ दिया था ठीक है आगे आ जाइए अब देखो अब आएगा इस क्वेश्चन को तो आप वेरी वेरी वेरी, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट करके लिख लो वेरी 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 इंपोर्टेंट क्यों लिख लो क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में सबसे पहले दो क्या दे रखा है दो हजार रुपए का दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कुछ रुपए उधार दिए कोई दिक्कत नहीं दो हजार रुपए दिए उधार पर क्वेश्चन में दिक्कत कहा बनी जब क्वेश्चन में पहले साल और दूसरे साल की रेट अलग अलग दी क्वेश्चन तो हमने पहले भी करे अलग अलग रेट के पर ऐसी रेट से ना रेशो वाले मेथड से बहुत लेंथ पड़ जाता है तो पहले साल की रेट चार और दूसरे साल की तीन परसेंट तो हम करते क्या पहले और दूसरे साल की ब्याज को पहले इसकी चार है और दूसरे की तीन तो हम करते क्या थे पहली और दूसरे साल की ब्याज को प्लस फिर पहले और दूसरे साल की ब्याज का मल्टीप्लाई बटे में सौ चार और तीन सात चार तीय बारह बटे सौ यानी पॉइंट बारह यानी टोटल जो पैसा दिया गया है दो हजार पे इसका सेवन पॉइंट ट्वेल्व परसेंट निकाल लो यही मेरा सी आई निकल कर आ जाएगा तो मेरे भाई यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे दो जीरो प्रतिशत हटाएंगे सौ और आ जाएगा ठीक है तो मेरे भाई तीन जीरो से तीन जीरो हटा दीजिए ठीक है अब आगे जाएंगे टू टू जा फोर टू जावन जा फोर्टीन बटे में दस यानी पीछे से एक पॉइंट आ जाए तो वन फोर्टी टू पॉइंट फोर यह हमारा आंसर आ जाएगा अरे अरे आ जाओ आ जाओ क्वेश्चन पे आउज आप देखो न्यू टाइप के इस सीरीज को खत्म होने दो फिर सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करेंगे ठीक है फिर सिंपल इंटरेस्ट से, करने से पहले एक बार आपको आपको एक बार गेम खिला दूंगा आ जाओ टेंतलो जैसे ही आखिरी के दो परसेंट अगर कल से नेट बचा के रखा करो हद यार तुम्हारी मतलब तुम नेट खर्च कहां कर रहे हो हैं कहीं गलत गलत जगह पे नेट तो नहीं खर्च कर रहे और किसी गलत टीचर पे तो नहीं खर्च कर रहे हैं ना इतने स्वयं राहुल देसवाल सर आपको पढ़ा रहे हैं हमने उन्हें बहुत मेहनत से कहा कि सर पढ़ाइए मेहनत तो मेरी लगती है ना कि मुझे समझाने में कि नहीं पढ़ाना है मुझे क्योंकि मेरी भी तो मेहनत है ठीक है तो मेरे भाई समझा करो ये चीज आपके फायदे के लिए है सुबह नेट बचा ले करो इधर उधर मत भटको अपना चुपचाप आओ रात में और अपने चार पांच दोस्तों को और बताओ ठीक है आ जाओ क्वेश्चन कह रहा है इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर टू इयर्स एट इतना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली इज इतना फाइंड प्रिंसिपल एंड अमाउंट तो तो देखो ये ये क्वेश्चन आप कहोगे सर आपने करा रखा है ये दोबारा ले लिया क्या देखिए इसके पीछे का रीजन है क्या रीजन है अब देखो ये अगर क्वेश्चन देखो यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर इतने प्रति दर से दो वर्ष के लिए रखा जाता है और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज सात सौ बीस है ये करके दिखाओ मान जाऊंगा हाँ भाई मान जाऊंगा इस क्वेश्चन को करके दिखाओ मान जाऊंगा तुम सारे प्लेयर हो तुम सारे प्लेयर हो स्पीड में फिर मैं बता दू कैसे करना है हाँ भाई बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हाँ पता नहीं कहां खत्म कर रहे हैं इनके सबके फादर साहब का नंबर लेना पड़े पिताजी का जी आपके लड़के का नेट बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है हैं चेक करो क्या करते हैं बताओ बताओ अच्छा चक्का बारह बजे घूमेगा आज देखो बारह बजे ही घुमाया करूंगा आपसे चक्का इससे क्या होगा कि मेरे लिए नेट तो बचा के रखोगे इनाम वही जीतेगा जो यहां पर मौजूद होगा

ये बात ना आप अभी तक सीआई तो पढ़ा पर सीआई का ज्ञान अब मिलने वाला है बहुत सारा ज्ञान बढ़ेगा समझिए मैंने आपको क्या करा मैंने आपको सौ रुपये उधार दिए अब आपको पहली बार पूरी क्लास में पता लगेगा कि एक्चुअल में सीआई होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है ज्ञान अब मिलने वाला है तो मेरे ज्ञान की प्राप्ति तभी थोड़ी आती है थोड़ा समय देना पड़ता है अब मैं आपको ट्री मेथड की तरफ लेकर जा रहा हूं ट्री मेथड ठीक है आ जाइए देखो मैंने आपको सौ रुपये दिए मैंने कहा ऐसा है मेरे भाई दस परसेंट ब्याज लूंगा कितना ब्याज लूंगा रेट जो चलेगी दस परसेंट के हिसाब से चलेगी रेट ठीक है अब होता क्या है दस परसेंट यानी एक बटे दस यही तो होती है इसकी फ्रैक्शन नहीं पता तो अपनी कॉपी में चेक कर लो शुरू में ही लिखवाई थी अब अगर मैंने आपको सौ उधार दिए इसे हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल तो मैं क्या करूंगा मैं आपके साल आपके पास पहले साल बाद पहुंचा मैंने कहा जी ऐसा है जी जनाब पैसे दिए थे भाई साहब पैसे दे दिए फिर तो मुझे मांगनी पड़ेगी कुछ ब्याज व्याज हो जाएगी तो दस परसेंट के हिसाब से पहले साल का एक बटे दस हिस्सा भाई दस परसेंट लिख लो या फिर इसका एक बटे दस लिख लो बात ये मुझे दस रुपए की ब्याज मिलनी चाहिए थी अगर कोई दे देगा तो दस रुपए की ब्याज मिल जाएगी अब अगर मैं दूसरे साल उसके पास फिर पहुंचा तो फिर 10 परसेंट के हिसाब से यानी एक बटे दस हिस्सा यानी सौ रुपये एक बटे दस यानी दस रुपये का ब्याज और मुझे मिलना चाहिए तो देखिए दो कंडीशन होती हैं एक होता है साधारण यानी सिंपल सिंपल यानी जिसमें कोई टेंशन ही नहीं है और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट अब सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में देखो मैंने क्या करा मेरे भाई पहले साल दस दिए दूसरे साल साधारण ब्याज में क्या होता है हर साल दस 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 रुपए देते जाओ साधारण ब्याज में क्या होता है भाई ध्यान से सुनना पहले साल दस दिए दूसरे साल दस दिए तीसरे साल दस दिए मतलब हर साल बराबर रुपए ही मुझे ब्याज के मिलेंगे मतलब मुझे सोचने की जरूरत नहीं अगर पहले साल मुझे दस मिले ना तो मुझे पता यार अगले साल भी दस ही मिलेंगे उससे अगले साल भी दस परंतु चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा पहले साल दस मिलेंगे वो तो ऐसे ही में मिले पर दूसरे साल इस दस रुपए के अलावा इस पहले साल की ब्याज पर भी ब्याज लग रही होती है और रेट वही रहता है वो दो तीन चीजें क्या है अगर मैं ये पूछू की सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज ले रहा होता तो मुझे ये दस और ये दस तो सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुझे बीस रुपए का ही मिलता पर जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा हूं तो ये दस और ये दस तो मिल रहा है पर एक एक्स्ट्रा मिल रहा है यानी यानी मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला ज्यादा ये एक रुपया कौन सा है जो इस ब्याज पे एक्स्ट्रा मिल गया है यानी जब भी मुझे ये आपसे पूछना हो कि भाई सीआई में कहा से मुझे एक्स्ट्रा चीज मिल पाती है सीआई में मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा और वो किस वजह से वो इस पर जो एक्स्ट्रा ये वैल्यू मिली है ना यही मेरा सी और एस SI का गैप बन जाता है तो यहां से आपने एक तो ये चीज देखी सी आई एस आई का अंतर क्या है ये वाली वैल्यू साथ में पहले साल अगर मैं बात करूं तो पहले साल दस रुपए ब्याज मिल रही है पर दूसरे साल मुझे दस और एक ग्यारह रुपए ब्याज मिल रही है किस केस में सीआई के सिंपल इंटरेस्ट में तो मेरे भाई साधारण ब्याज में पहले साल भी दस दूसरे साल भी दस पर चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल दस है पर दूसरे साल टोटल मिल रही है है बस यही का मुझे ध्यान रखना था जैसा अगर मैं इस नॉर्मल से क्वेश्चन की बात करूं ठीक है? तो इसमें रेट देखिए सोलह से ही दो बटे तीन परसेंट अच्छा एक चीज और जो सबसे मेन चीज है आपको सीखने को मिलेगी हाँ भाई जो सबसे मेन चीज है जो आपको लव यू टू मेरे भाई लव यू टू ठीक है जो सबसे मेन चीज है जो आपको यहां से सीखने को मिलेगी देखो सोलह से ही दो बटे तीन प्रतिशत फ्रैक्शन में कितना हो जाता है मेरे भाई एक बटे छे अब ध्यान से देखो आप मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या पता है इस क्वेश्चन में कहीं पर यह देखा है कि कितने रुपए उधार दिए गए आप कहोगे सर ये तो पूछा गया है पर हम मान सकते हैं क्या कोई वैल्यू तो आप कहोगे सर मान तो सकते हैं पर क्या माने तो मैं कहूंगा कि जब भी अगर आपको यह मानना हो कि प्रिंसिपल कितना है तो जो ये नीचे वाली वैल्यू लिखी है इसका स्क्वायर मान लेना दो साल के केस में दो साल के केस में स्क्वायर तीन साल के केस में क्यों मान लेना अब आप आपको सर ऐसा क्यों क्योंकि जब मैं छत्तीस का इतना परसेंट पहले साल यानी इसका एक बटे छ लूंगा और फिर से एक बटे छ तो छत्तीस को वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स यानी दो बार छ से डिवाइड करूं अगर यहां पे कोई ऐसी वैल्यू ले लूं जो छह से दो बार भाग ही ना हो पाए तो पॉइंटो में आ जाएगा ना खेल तो मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू जो छह से दो बार डिवाइड हो सके यानी छ और छह का मल्टीप्लाई छत्तीस इसलिए मैंने यहाँ पे थर्टी सिक्स लिया अब बस इतना समझ रहा था आप सब समझ पाओगे पहले साल मुझे इसका एक बटे छह हिस्सा ब्याज का मिलेगा यानी छह रुपए दूसरे साल एक बेटे छह मिलेगा यानी छह रुपए मिल गए पर साथ में ब्याज पर ब्याज यानी इस छे का भी एक बटे छह हिस्सा यानी एक रुपया और ब्याज मिला टोटल छ और छह बारह और एक तेरह रुपए की मुझे ब्याज मिली पर क्वेश्चन क्या रहा है कि भाई साहब जो प्याज मिलेगी वो कितने हैं छब्बीस सौ रुपये बस कंपेयर कर दो इस तेरह से दो सौ गुना ठीक है तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया है वो भी दो सौ गुना आया था बहत्तर सौ रुपये हुआ इसमें से जोड़ दो तो मेरे भाई अमाउंट भी आ जाएगा पर इस क्वेश्चन के लिए हमने इतनी मेहनत नहीं करी मेहनत करिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हाँ भाई मेरे भाई मेरा कोर्स है टॉप तक एपर टी ओ पी टी के टॉप तक ठीक है कौन सी ऐप पर मेरे भाई टी ओपी टी ए के टॉप तक आ जाइए देखो देख लेते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन देखिए इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर एट ट्वेल्व वन बाई टू परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज रुपीज सात सौ बीस देन फाइंड प्रिंसिपल तो देखो सबसे पहले रेट क्या है साढ़े बारह परसेंट इसका नब्बे परसेंट बच्चा ना जो पहली बार आप में से कम से कम मुझे लगता है कि पचास परसेंट तो गलत देगा ही देगा क्योंकि वो इस क्वेश्चन की गहराई को ही कोई नहीं समझ पाएगा कैसे देखिए साढ़े बारह प्रतिशत एक बटे आठ सबसे पहले प्रिंसिपल क्या माना जाए तो टाइम कितना है दो साल तो मेरे भाई प्रिंसिपल इस एट का स्क्वायर स्कोय मैं ब्याज लेने पहुंचा ये सिर्फ माना है तो मुझे पहले साल इसका एक बटे आठ हिस्सा यानी आठ रुपए ब्याज का मिल जाएगा दूसरे साल फिर से इसका एक बटे आठ हिस्सा यानी आठ रुपए और ब्याज के मिल जाएंगे बात ठीक है उसके बाद क्या होगा मेरे भाई सीआई के केस में इस वैल्यू पर भी यानी इसके ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा और इसका एक बटे आठ यानी एक रुपया और ब्याज मिलेगा अब हमें दे क्या रखा है हमें ये सात रुपए दे रखे हैं अब ये सात क्या है ये जानना बहुत जरूरी है ये जो सात सौ दूसरे वर्ष के लिए यानी ये दो साल का नहीं है ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज आठ है हमारे डाटा के हिसाब से दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज नौ रुपए है पर क्वेश्चन कह रहा है दूसरे साल का सात सौ बीस है इसके अलावा किसी और तरीके से ना आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे ठीक है यानी एक्चुअल में दूसरे साल में नौ रुपए नहीं मुझे सात सौ बीस रुपये मिले अस्सी गुना तो मुझे जो पैसा दिया गया है वह भी अस्सी गुना ज्यादा रुपए रहे होंगे किसी को डाउट साढ़े बारह के बाद नेट आता है मुझे लगता है बारह के बाद आ जाता है हाँ भाई दोबारा नेट कितने बजे आ जाता है लव यू टू मेरे भाई लव यू टू है दोबारा नेट कैसे आ जाता है साढ़े बारह बारह के बाद आ जाता होगा देखो इसमें क्या है रेट अब तो आप समझ गए हो अब तो मैं स्पीड में भी लूंगा तब भी आप कर पाओगे तो तो पहले साल नौ का एक बटे तीन हिस्सा यानी मुझे तीन रुपए मिलेंगे दूसरे साल फिर से इस नौ का एक बटे तीन हिस्सा यानी तीन रुपए और ब्याज के मिले बात ठीक है पर सीआई वाली बात है यानी इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगी यानी इसका भी एक बटे तीन हिस्सा यानी रुपया मुझे और ब्याज का मिल जाएगा चलो यहां तक तो ठीक था पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है क्वेश्चन में दो, दे हैं। क्या ये दो साल का ब्याज है नहीं दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इस डाटा के हिसाब से पहले साल का तीन है और दूसरे साल का तीन और एक चार कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्वेश्चन कह रहा है चार पे नहीं है कितना है मेरे भाई दो सौ अस्सी इसे कितने गुना सत्तर तो इसी प्रकार हमने जो पैसा दिया वह भी नौ ना होकर सत्तर छह सौ तीस रुपए रहा होगा किसी को डाउट अब तो समझ रहे हो हाँ भाई मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है क्या कह रहे हो कौन सा सी कहां से आया अरे इस वैल्यू से मुझे लग रहा अभी आया कोई सा इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या मल्टीप्लाई करके मिल जाएगी अस्सी नाइन या टू ऐसे देख लो अरे कहाँ गया वो गया डरा दिया इसने तो अरे आजा भाई आजा तू तुम मत करा दे कहाँ चलेगा चलो इतना तो सीख गया हूं मैं ठीक है तो मेरे भाई देखो नौ अट्ठे बहत्तर या फिर नाइन एट जावेंटी टू जीरो जीरो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर ये हो गया अब इस क्वेश्चन में और तुम्हारे पसीने छूटने वाले हैं तो मतलब तैयार रहे कैसे पसीना छूटेगा आप खुद करोगे तो पसीना छूट ही जाएगा खुद भी ट्रियाई कर लो एक बार ठीक है कैसे पसीना छूटने वाला है देखो इसलिए छूटेगा पहले साल की रेट सोलह सही दो बटे तीन परसेंट दूसरे साल की रेट क्या है मेरे भाई सेवन परसेंट फोर्टीन टू बाय सेवन परसेंट अब आप एक चीज देखिए सोलह सही दो बटे तीन प्रतिशत फ्रैक्शन में एक बटे छह होती है और ये होता है मेरे भाई एक बटे सात कोई दिक्कत देखो अब मुद्दा क्या होता है मतलब जो नया नया बच्चा है जो हर किसी के साथ हुआ आज तक जीवन में ठीक है वो क्या करेगा छह का स्क्वायर एक जगह लिख लिख देगा देगा और जगह का 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 स्क्वायर 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 बात भी सही है भाई छत्तीसगढ़ यही तो सिखाया था अरे मेरे भाई मैंने ये सिखाया था देखो अगर पहले साल भी रेट सोलह से दो उठे तीन परसेंट और दूसरे साल की भी सेम होती है तो मैं मुझे पता है कि जो भी वैल्यू मानू एक ऐसी वैल्यू मानू जो छह से दो बार कट पाए पर अभी क्या होगा पहले निकालूंगा उसका एक बटे छूंगा एक बटे सात यानी ऐसी वैल्यू मानो जो छे और सात दोनों के पहाड़े में आ जाए यानी फोर्टी 42, 42 यानी मैं प्रिंसिपल क्या मानकर चलना पड़ेगा जो छह के पहाड़े में भी आ जाए और सात के में भी यानी छत्ते बयालीस अब पहले साल बयालीस रुपए अगर किसी को उधार दिए तो उस बयालीस का एक बटे छह हिस्सा ब्याज का मिलेगा तो मुझे सात रुपए ब्याज मिलेगी दूसरे साल इसी बयालीस का दूसरे साल की रेट पता है ना दूसरे साल की रेट ये है तो दूसरे साल एक बटे सात के हिसाब से एक बटे सात के हिसाब से छह रुपए ब्याज के मिल जाएंगे ठीक है और साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलेगी साथ में इस ब्याज पे भी ब्याज मिल रही होगी अच्छा पहले साल का रेट ये है दूसरे साल इस रेट के हिसाब से ब्याज मिल रही है तो इस पर भी इसी के हिसाब से ब्याज मिलेगी तभी तो ये दूसरे साल का ब्याज निकलता है हर बार एक बटे सात के हिसाब से एक रूपये और आ जाएगा तो पहले साल मेरी जेब में सात रुपए आए और दूसरे साल छत रुपये और आ गए पर क्वेश्चन कह रहा है दूसरे साल सात रूपए नहीं आए भाई साहब दूसरे 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 साल फाइव सिक्सटी यहाँ पे देखो फाइव सिक्सो साठ कर लो ये गलती रखा में पांच सौ साठ हाँ भाई पांच सौ साठ कर लो क्लास में मजा आ रहा है लाइक करो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मतलब दूसरे साल में जो ब्याज मिले वो पांच सौ साठ रुपए है ना तो तो जी, जी, जितने पढ़ रहे हो सारे पास होने वाले हो ये पहली बार वो चमत्कार करूंगा ऐसा हर बार करता हूँ ठीक है तो ये चमत्कार हर बार होता है तो रोज रात नौ बजे आना मतबूला करो रोज रात 9 पीएम पर कोई भी बच्चा आना ना बोला करेगा अभी हम पारा अच्छा सर रोज घर अच्छा देखो आ जाओ अब इस क्वेश्चन पर वही बात पहले साल की रेट 11 से एक बटे नौ प्रतिशत और दूसरे साल की रेट क्या है मेरे भाई 14 टू बाय सेवन परसेंट इसकी फ्रैक्शन एक बटे नौ इसकी फ्रैक्शन मेरे भाई एक बटे सात क्या मानना पड़ेगा एक ऐसी वैल्यू जो नौ और सात दोनों के पहाड़े में आ जाए यानी क्या माना मेरे भाई हमने 63। अब इसका अगर मैं किसी को एक बटे नौ हिस्सा ब्याज का दूंगा तो मुझे पहले साल सात रुपए देने पड़ेंगे पर दूसरे साल में इस रफ्तार से ब्याज लूंगा यानी कि एक बटे सात हिस्सा यानी नौ रुपये साथ में इसी रफ्तार से मैं सात का भी एक बटे सात लूंगा तो मुझे एक रुपया और ब्याज का मिल जाएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है कि द्वितीय वर्ष के दो वर्षों के लिए रखा जाता है और ब्याज ब्याज तथा में अंतर इस अंतर इस बार तो ध्यान रखना अंतर क्या होता है इस वाले हिस्से पर जो एक्स्ट्रा ब्याज ली जाती है ये अंतर, अंतर देखा ना पचास इस एक से पचास होना तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया वह भी सिक्सटी थ्री यानी तिरसठ नौकर से पचास होना था जीरो रहा होगा किसी को डाउट अरे करेंगे गेम थोड़ी देर रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ इसको बस खत्म होने वाला है ये अरे थोड़ी देर और रुक जाओ अरे कहीं खत्म नहीं हो रहा उसको 240 पे देख लो ठीक है अभी गेम स्टार्ट करता हूं रुक जाओ थोड़ी देर क्या हो गया अच्छा नेक्स्ट लेवल लो नेक्स्ट लेवल पर गए देखो रेट क्या है

यही हमारा CISI का अंतर होता है। तो अंतर एक नहीं तीस है से तीस गुना ज़्यादा। तो जो पैसे उधार दिए हैं, वह भी 49 ना होकर, तीस गुना ज़्यादा किस -किस तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन है जो मुझे लगता है जहां आप अटकोगे देखो अटकने जैसा वैसा कुछ है नहीं देखो ध्यान <coughs> से करो जिसको आता है वो अपना करके देखो जिसे नहीं आता वो मुझ पर ध्यान दो मुझ पर नहीं बोर्ड पर ध्यान देना है? कहीं मैं जा खूबसूरत लग रहा हूँ सर जी ने कहा क्वेश्चन क्या रहा है कि यार अगर बात की जाए जो भी पैसे उधार दिए हैं उनके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दो सौ रुपये मिल रहा है अब ये दो सौ रुपये अच्छा देखो साधारण ब्याज के बारे में मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट ना पहले साल जितना मिलता है दूसरे साल भी उतना ही मिलता है तीसरे साल भी मुझे उतना ही मिलेगा यानी कि अगर मुझे कोई व्यक्ति पहले साल दस रुपए देगा तो दूसरे साल भी दस और तीसरे साल भी दस रुपए ही देगा या फिर अगर मैं कहूं कि किसी ने दो साल में मुझे दो सौ रुपए दिए और वो दो सौ कैसे दिए होंगे पहले साल सौ रुपए और दूसरे साल सौ रुपए अगर कोई मुझे तीन सौ रुपए दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज नहीं सिंपल साधारण ब्याज की बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की तो सिंपल इंटरेस्ट दो साल में कैसे दिया होगा मुझे पहले साल डेढ़ सौ और दूसरे साल डेढ़ सौ अगर कुछ ने मुझे चार सौ बीस रुपए दिए दो साल में एसआई की बात कर रहा हूं ध्यान से सुनना तो उसने मुझे ये पैसे कैसे दिए पहले साल दो और फिर मुझे दो सौ दस रुपये दिए होंगे ऐसे ही दिए गए बिल्कुल मेरे भाई दो सौ दस और दो सौ दस आज ये देखेंगे बारह बजे के बाद कितने बच्चे एक्स्ट्रा बढ़ेंगे जब मैं बारह बज के दो मिनट पर खिलाऊंगा आज मैं गेम है ना तो मैं ये देखना चाहूँगा कि बारह बज के दो मिनट पर आज कितने सारे बच्चे मतलब गेम खेलने आएंगे पढ़ने आएंगे ठीक है अब ये मैं समझना ना तभी खिलाऊंगा अभी खिला दूँ थोड़ी देर रात कहीं यूँ सोचो कि चलो अब तो सर पढ़ना पढ़ना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो मेरा भाई दो सौ दस रुपये और दो सौ दस रुपये ठीक है ओके यानी पहले साल दो तो, सौ दूसरे साल दो सौ दस इतने तो समझ गए हो बिल्कुल समझ गए होंगे यानी कि ध्यान से सुनेंगे अगर मुझे दो सौ रुपये साधारण ब्याज मिला दो साल का तो ये कैसे कैसे मिला होगा पहले साल मुझे सौ रुपए मिले होंगे और दूसरे साल फिर से मुझे सौ रुपए की ब्याज मिली होगी और क्वेश्चन क्या रहा है सी आई और एस SI आई का अंतर सात रुपये है और मुझे बताइए अंतर किस वजह से बनता है क्योंकि सीआई में इस हिस्से पर जो एक्स्ट्रा ब्याज मिल रही होती है वही अंतर होता है यानी कि इस पर मुझे सात रुपए एक्स्ट्रा और मिले यही मेरा सीआई ऐसा अंतर है पर ऐसी क्या रेट रही होगी कि सौ रुपए पर मुझे सात रुपए का ब्याज मिल रहा है भैया रेट चल क्या रही है रेट इतनी है कि सौ रुपए का जब उतना परसेंट निकालते है, तो मुझे सात रुपये तो सौ रुपए पर सात रुपये का इतना ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सो से सो कट जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाए किसी को डाउट ऐसे कैसे बेल बिचारी सोई लड़कियां क्या कह रहा है अरुण कह रहा है सबका नेट खत्म हो मेरा तो टू पॉइंट फाइव है अच्छा मतलब आज हाँ तुम ही इनाम जीतने वाले हो हाँ भाई चलो ये चीज अच्छी मिली मुझे अब मैं तीन घंटे बजे से मिनट पहले गेम तुम ऐसे नहीं तो ऐसे मतलब नेट बचा के रखोगे मतलब मेरे लिए नेट ही नहीं बचा रखा एक्स्ट्रा नेट खर्च कर रहे हो इधर उधर आ जाओ क्वेश्चन पे क्या करा क्वेश्चन इस बार देखा है मेरे भाई देखो एक ही क्वेश्चन था इस तरह का ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इस बार दे रखा है कि कुछ रुपए उधार दिए गए अगर मैं बात करूं साधारण ब्याज की तो साधारण ब्याज उन रुपयों पर नीचे लिख देता हूं छह सौ रुपए मिलता है और टाइम वही दो साल का अगर दो साल में मुझे छह सौ रुपए मिले तो ये इस तरह से मिलोंगे पहले साल तीन सौ रुपए और दूसरे साल तीन सौ रुपये अच्छा सी आई कितना मिलता है दो साल का छह सौ पंद्रह ये पंद्रह रुपए एक्स्ट्रा क्या है ये पंद्रह रुपए ही तो सी आई और एस आई का गैप है

तीन साल का इस क्वेश्चन को चलो तुम्हारे को दूं तो सही रात हो रही है तो, तो तुम थोड़ी के हिल जाओगे क्यों तुम बुद्धि लगाओगे नहीं क्योंकि ये तो चलो मैंने लिख दिया तो तुमने नकल मान ली होगी चाहे तीन तो गलती लिख दिया दो साल का है तीन तो मेरे भाई मैंने गलती लिख दिया दो साल का है तीन तो मैंने गलत लिख दिया दो साल का है चलो लिख देता हूँ आज गलती कहां करोगे इस क्वेश्चन में ना एक शब्द दे रखा है एक लाइन दे रखी है तीन साल का एस आई दिया गया मैं, तीन साल का एस आई कितना दे रखा है दो सौ पच्चीस तीन साल का एस आई कितना दे रखा है दो सौ पच्चीस अगर तीन साल का एस आई दो सौ पच्चीस है तो तीन से अगर इसे मैं काटूंगा तो पिचहत्तर पे जाएगा यानी मुझे हर साल पिचहत्तर रुपए की ब्याज मिल रही है साधारण ब्याज कितनी मिल रही है हर साल पिछहत्तर पहले साल पिचहत्तर दूसरे साल पे पिचहत्तर और इसी तरह से तीसरे साल भी पिचहत्तर पर अभी मैं तीसरे साल की बात ही नहीं करना चाह रहा यानी दो साल में पिचहत्तर और पिचहत्तर मुझे डेढ़ सौ रुपए मिले ये तो हो गई मेरे भाई साधारण ब्याज की बात चक्रवृद्धि ब्याज दो साल में एक सौ तिरपन रुपए मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज दो तो साल में सीआई मुझे एक मिल रहा है यानी कितना तो ज्यादा मेरे भाई तीन ज्यादा तो ये तीन किस वजह से एक्स्ट्रा बना हुआ तो हमें पता है मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है इस ब्याज पर ना एक एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाती है और रेट इतनी चल रही होगी कि इस पिछच्तर का वो एक्स्ट्रा निकल कर आया तो भैया पिचत्तर पर तीन की ब्याज मिलने का मतलब क्या है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई हंड्रेड पच्चीस से तीन पर पच्चीस से चार पर ठीक है तीन से तीन कट जाएगा चार परसेंट हमारा उत्तर आ जाएगा किसी को डाउट क्या पूछा है प्रिंसिपल ये भी चलो अच्छी बात है पिछले में मूलधन पूछा था क्या अच्छा कोई दिक्कत नहीं मूलधन निकाल देते हैं मूलधन निकाल देते हैं इससे पिछले मूलधन पूछा था यहां था क्या रेट पूछा बिल्कुल सही निकाला है। लो मूल राशि भी निकाल देते हैं देखो रेट भी पूछता है और वो मूल राशि भी पूछ लेता है कोई दिक्कत नहीं है अब आप आ जाइए मूल राशि पर तो मेरे प्रिंसिपल ये जो पी है एक ऐसी वैल्यू है कि जिसका चार प्रतिशत भाई रेट क्या चल रही है चार परसेंट यानी इसका चार परसेंट तीन है तो इसी तरह से प्रिंसिपल का चार परसेंट पिछहतर आया होगा तो प्रिंसिपल का चार परसेंट कितना आएगा पिछहतर तो ऐसी क्या वैल्यू है ये पी तो चार परसेंट कितना होता है एक बटे पच्चीस तो पी कितना आ जाएगा मेरे भाई पच्चीस पंजे 125 5 25 एक सौ पच्चीस का पांच बारह पच्चीस सत्तर एक सौ पिचहत्तर एट सेवेंटी एक सौ पिचत्तर वन एट्टी सेवन फाइव ठीक है किसी को डाउट वही तो बोल रहे थे तभी से अच्छा बहुत बढ़िया बिपिन बहुत बढ़िया अरे पूरी सुबह कर दूंगा आज रात की सुबह नहीं होने दूंगा मैं पूरी रात पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं ठीक है हाँ भाई बताओ ये कह रहा सर जी मुझे टॉयलेट जाने की छुट्टी देते फोन लेकर चले जा मेरे भाई बैठ जा वो शुरू में कोई दिक्कत थोड़ी है, है? आ जाओ क्या हो गया आपकी आवाज बहुत मधुर है थैंक थैंक यू यू मेरे भाई वाली ये बात समझ गए इसी तरह से आप पिछले वाले को भी निकाल सकते थे ठीक है आप क्या करते प्रिंसिपल एक ऐसी वैल्यू है भैया जिसका पांच परसेंट तीन सौ है बस सॉल्व कर देते मेरे भाई परसेंट यहाँ से हटाते ठीक है तो मेरे भाई नीचे सो आ जाता फाइव जा जटी तो मेरे भाई प्रिंसिपल की तरह बन जाता ये बन जाता बट ऐसा ही है तो आप निकाल ही लोगे अब तो ये नॉर्मल सी चीज़ है ठीक है आ जाओ इस क्वेश्चन को और बताओ फिर उसके बाद अब हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे साधारण ब्याज पे इस क्वेश्चन को और बताओ अच्छा गौरव थैंक यू थैंक यू अच्छा लैपटॉप को कैसे लेके जाएं? भैया लैपटॉप भी ले जाओ उसमें खड़े होकर मत करना तुम बैठ के कर लेना और लैपटॉप पकड़े रहना हाथ में नहीं आ जाओ आ जाओ देखो ये तो टैलेंट अब तुम्हें दिखाने पड़ेंगे आगे जाके तुम्हें देश चलाना है तो तुम क्यों लैपटॉप नहीं चला के ले आ सकते हैं देखो यार क्वेश्चन क्या क्या रहा है तो इतना तो टैलेंटेड तुम मुझे पता है हो पर नहीं सब कुछ मुझसे ही सुनना है तीन वर्ष में पांच सौ चालीस रुपए मिलते हैं पांच सौ चालीस अच्छा ये क्या है ये सिंपल इंटरेस्ट है तो तीन से काटेंगे तो एक सौ अस्सी पर रुपए मैंने उधार दिए उस पर हर साल मुझे एक सौ अस्सी रुपए साधारण ब्याज मिलता है यानी पहले साल भी एक सौ अस्सी दूसरे साल भी तो इस तरह से तो दो साल में मुझे भी तीन सौ साठ रुपए मिलेंगे बात सही है पर ये कम मिलेंगे जब मैं सिर्फ साधारण ब्याज लूंगा ये कम मिलेंगे जब सिर्फ मैं साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वाले केस में दो साल में कितना मिल रहा है तीन सौ छिहत्तर पॉइंट बीस रुपए कितने मिल रहे हैं तीन सौ छत्तर पॉइंट बीस रुपए यानी मुझे यहाँ पर कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है मेरे भाई सोलह पॉइंट बीस एटीन टू थर्टी सिक्स सोलह ठीक है तो मुझे ये सीआई और एसआई आई का अंतर कितना नजर आया सोलह पॉइंट बीस यानी कि इस पर सोलह पॉइंट बीस रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालू एक तो पर सोलह का ब्याज प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई हंड्रेड वैसे ना आपको पता है प्रिंसिपल ना डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं वो मैं चलो बता दूंगा थोड़ी देर में पीछे अभी एक बार करके ठीक है अब आप देखोगे पॉइंट हटेगा नीचे सौ आ जाएगा इस सौ से ये सौ घट गया जीरो से जीरो ये नौ पर चला आएगा यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया नाइन ठीक है ओके अब हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल का नौ प्रतिशत हमें बताइए एक ऐसी वैल्यू इसका नौ परसेंट एक सौ अस्सी के बराबर है बस एक सौ अस्सी के बराबर है आप काट दो नौ नाइन टू जा एट्टीन तो प्रिंसिपल आ जाए दो हज़ार रुपये ये तो नॉर्मल सी बात है तो तुम निकाल ले लोगे अब हम हेते हैं एस आई पे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं भाई आ जाओ सिंपल इंटरेस्ट से पहले एक प्यारा सा गाना सुनाऊं तुम्हें हैं हाँ भाई ये कहाँ पहुँच गए हाँ भाई साधारण ब्याज पर आ जाओ आ जाओ भैया कहाँ रहेगा क्वेश्चन लो अब आएगा मेरा ध्यान नहीं था सर जी रिपीट करना अगर ध्यान नहीं था वो भी रात में तो भैया ये बहुत कर रहा है वो बन सकता है इसमें तो पूरे तुम पे तो पेनल्टी ठोक सकती है एक साथ दो दो काम हैं अब अपनी वाली मतलब पढ़ाई को तो तुम छोड़ ही सकते हो मुझे पता मोहब्बत तो तुम प्यार से कर रहे हो तो धोखा किसी और को दे रहे हो अगर तुम इतनी रात में ही पढ़ रहे हो तो तुम मोहब्बत तो तुम पढ़ाई से करते हो तो जो दूसरे वाली है उसे क्यों धोखा दे रहे हो क्यों गलत फहमी में उसको मतलब कहते ना कि मतलब जी जी रहा है कोई तुम इस गलत फहमी में कि तुम उससे मोहब्बत करते हो तो जबकि मोहब्बत तो तुम्हारी सच्ची ये है और यही मोहब्बत है जो तुम्हें क्या दिलाएगी सक्सेस और जॉब और हर वो इज़्ज़त जो ज़िंदगी में तुम चाहते हो उसके अलावा कोई आपको कुछ भी नहीं दिला सकता इस ज़िंदगी में एक आप और एक आपकी ये मोहब्बत यानी पढ़ाई दूसरी मोहब्बत भी जरूरी है पर वो समय गया और अगर जॉब ले लोगे तो फिर से वो मोहब्बत तुम्हारी ज़िंदगी बनी रहेगी नहीं तो कल को कभी रास्ते में जाओगे तो देखो ये तुम्हारे मामा हैं हमारे भैया हैं कॉलेज के राखी बाकी भन्दवा करना खाम खा में खर्चा बढ़ जाएगा तुम्हारा आ जाओ चलो ये तो मजाक है अब सिंपल इट पर आ जाओ ठीक है मेरे भाई रेडियो हाँ भाई रेडियो सर आप ही हमारी मोहब्बत हो तुम भी मेरी मोहब्बत हो मेरे भाई वो तो ठीक है मैंने मैम से शादी करी वो सेकंड ऑप्शन फर्स्ट तुम ही हो ठीक है अब तक तो सोले होंगे सब घर पे कोई दिक्कत नहीं मैं झूठ बोलकर जी सकता हूँ ऐसे सच है यार तुमसे ज्यादा प्यार किससे कर सकता हूं तभी तो यहां तक खड़े इस टाइम तक देखो आ जाओ जाओ अब सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ बातें बता दू यार फिर उसके बाद अब बिल्कुल चुपचाप होके सुनना साधारण ब्याज ठीक देखो ज्यादा गहराई में तो नहीं जाऊंगा बस जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना आपको मैंने क्या कहा था साधारण ब्याज अगर मैंने कहा कि भैया मैंने किसी को कुछ रुपए उधार दिए यानी एक हजार रुपये उधार दिए मैंने उससे कहा कि ऐसा है मेरे भाई तेरे से चार परसेंट ब्याज लूंगा हर साल तो साधारण ब्याज अगर मैं पहले साल चार परसेंट लेता हूं या फिर आप ऐसे समझिए इस एक हजार रुपए का अगर मैं किसी से चार प्रतिशत ब्याज ले रहा हूं प्रतिशत का मतलब क्या होता है वो दो जीरो काट देता तो मुझे चालीस रुपए ब्याज मिलेगा तो साधारण ब्याज कहता है कि अगर मुझे एक साल में चालीस रुपये मिले और क्वेश्चन करें तीन साल में कितना मिलेगा तो भाई साहब सिंपल पहले साल में चालीस तो दूसरे भी चालीस और तीसरे भी साल में चालीस रुपए मिलेंगे यानी चार चार आठ चार बारह एक सौ बीस रुपये मुझे ब्याज मिल जाएगी पर इसे हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि एक साल में चार परसेंट मिलेगा तो दूसरे साल भी मुझे चालीस रुपए मतलब दूसरे साल भी इसका चार परसेंट मिल रहा है तीसरे साल भी चालीस ही मिल रहा है यानी इसका चार परसेंट ही तो चालीस कर आ रहा है यानी मुझे हर साल चार परसेंट ब्याज मिल रहा है तो एक साल में चार तो तीन साल में चार थी मुझे बारह प्रतिशत ब्याज मिलेगा और डायरेक्ट जो पैसा दिया है उसका अगर मैं बारह प्रतिशत निकाल कर देखता हूँ तो प्रतिशत से दो जीरो बारह गुणा में दस एक सौ बीस रुपए की ब्याज निकल कर आई यानी डायरेक्ट यही आंसर इतनी बड़ी महाभारत रचने की जरूरत ही नहीं थी तो अब आप समझ पाए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं तो मैं सिंपल कह रहा हूं कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए जैसे मैं कह दूं कि मैंने दिए उधार और अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें सिंपल इंटरेस्ट लिखा हो चाहे ना लिखा हो देखो साधारण ब्याज के क्वेश्चन में वो साधारण ब्याज लिख कर भी देगा और नहीं भी लिखेगा ना या सी आई और ऐसे क्वेश्चन लिखा तो एस सी आई का ही है सिंपल इंटरेस्ट का इतने रुपये उधार दिए रेट चल रहा था मेरे भाई आपका पाँच परसेंट और मैंने कहा लगातार मुझे चार साल बाद कितना ब्याज मिल जाएगा तो मेरे एक साल में पाँच तो पाँच चौक बीस परसेंट मुझे जो पैसा दिया है उसका बीस प्रतिशत ब्याज मिल जाएगा प्रतिशत का मतलब दो जीरो कटेंगे थ्री टू जा सिक्स एक और दो जीरो छः सौ रुपये का मुझे ब्याज मिल जाएगा किसी को डाउट खिला रहा हूँ गेम खिला रहा हूँ रुक जाओ थोड़ी देर ठीक है अरे बारह बजे से पहले घुमा दूंगा व्हील तभी तो कल से फिर तुम सब मेरे लिए नेट बचाओगे। अगर मैं बजे के बाद घुमाऊंगा ठीक है तो तुम क्या करोगे अगली बार से तुम ये सोचोगे अरे यार तू नेट बचाना ठीक है तो तुम्हारे को पता तो लगना चाहिए कि भैया जीतेगा भी वो जो पढ़ाई से मोहब्बत करेगा हाँ भैया अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन पर आ जाओ अरे सारे करा दो किस्त पिस्त सारे टेंशन क्यों ले रहे हो तुम हम यहां खड़े क्यों हैं पर आज भूख लग रही है डेढ़ दो घंटे और पढ़ाऊंगा देखो ये जितने देर में खत्म हो जाए और एग्ज़ाम क्लियर हो ना तुम्हारा तो सारी मेहनत मतलब वसूल हो जाएगी देखो आपसे क्या कहा गया है कुछ पच्चीस सौ रुपये उधार दिए गए पच्चीस सौ रुपये बहुत ध्यान से सुनेंगे एक क्वेश्चन तो चलो पूरा लिखवा देता हूँ फिर आगे पूरा लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी रेट की अगर बात करूं तो मैं हर साल आठ प्रतिशत पर ईयर एक साल में मुझे आठ परसेंट का ब्याज मिल रहा है ठीक है तो टाइम क्वेश्चन कह रहा है चार साल बाद क्वेश्चन में क्या क्या गया है? कि चार साल चार साल बाद मुझे कितना टोटल ब्याज मिलेगा तो एक साल में आठ तो चार साल में आठ सौ बत्तीस प्रतिशत यानी टोटल मुझे जो पैसा दिया गया है इसका बत्तीस प्रतिशत हिस्सा ब्याज का मिलेगा प्रतिशत से दो जीरो हटाए अब देखिए आप डायरेक्ट कैसे पच्चीस को बत्तीस से मल्टीप्लाई करिए पच्चीस के साथ चार की मल्टीप्लाई होते ही हमें सौ मिलता है अब आप अगर बत्तीस को गौर से देखोगे तो ये चार गुणा में आठ है यानी पच्चीस गुणा में चार सौ और सौ मल्टीप्लाई आठ आठ सौ ये तरीके होते हैं जल्दी कैलकुलेशन करने केलकुलेशन करने के यानी आठ सौ हमारा उत्तर आ चुका है आई लव यू टू मेरे भाई आई लव यू टू मेरे भाई बैटरी तो मेरी बीक हो रही है देखो अब हम ना इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ ग्यारह सौ रुपए दिए मेरे भाई दे दिए हमने ग्यारह सौ रुपये क्वेश्चन के हिसाब से एक साल का सात परसेंट तो तीन साल का सातीय इक्कीस सातीय इक्कीस यानी जो भी रुपये उधार दिए हैं इक्कीस का इक्कीस परसेंट ब्याज मिलेगा प्रतिशत से दो जीरो ग्यारह के किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हमें क्या देता है इक्कीस को ऐसा का ऐसा रखेंगे और दो और एक का टोटल तीन बीच में यानी दो सौ इकतीस और यही हमारा आंसर आ जाएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्या कह रहा है इतना समझ गए ठीक है ओके आ जाइए इसमें क्या कह रहे हैं कुछ रुपए उधार दिए गए कितने रुपए उधार दिए गए तीन हजार का सत्ताइस परसेंट हिस्सा ब्याज हमें मिल जाएगा प्रतिशत से दो जीरो हटाएंगे तीन की सत्ताईस में मल्टीप्लाई इक्यासी तो आठ सौ दस रुपये का ब्याज मुझे मिल रहा होगा ठीक है बहुत बढ़िया आगे चलते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे इस समय तो सबसे ज्यादा बच्चा होना चाहिए था ठीक है अब क्या कह रहा है मेरे भाई इक्कीस सौ रुपए उधार दिए <coughs> दे दिए मेरे भाई अब अगर देखा जाए तो हर साल मुझे इतना परसेंट हिस्सा ब्याज का मिलेगा और ऐसा मिलते मिलते लगातार बारह साल तक मुझे ब्याज मिलेगी कितने साल तक बारह अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो फोर सेवन ट्वेंटी एट प्लस थ्री थर्टी वन बाई फोर हिसाब से बारह साल तक मेरे भाई तो चार तीय बारह तीन 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 तीय नौ यानी मुझे टोटल इतना परसेंट हिस्सा ब्याज का मिलने वाला है अब इन रुपियों का प्रतिशत से दो जीरो हट जाएंगे ठीक है अब नाइन्टी थ्री के साथ अगर आप इक्कीस की मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाता है नाइन्टी वन टूट अरे कैसे भैया बिट रहा है अच्छा ये गर्म हो गया बोर्ड तो फिर भाई नाइन्टी वन टूवंजा टू टू नाइन जटीन तो एक, एक नौ एक है वन नाइन कुछ गड़बड़ हो गई एक सेंड रुको सेवन फोर जो ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट थर्टी वन बाई फोर मल्टीप्लाई बारह फोर थ्री या ट्वेल्व थ्री 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 या नाइन अच्छा नाइन्टी थ्री है अरे यार रात में ना पढ़ाते पढ़ाते दिमाग का सर्किट फ्यूज हो गया लो थ्री और ठीक है मुझे पता तुम कह रहे होंगे कि सर ये है मेरे भाई अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है सबसे ज्यादा अब आप आ गए हो इस बार क्वेश्चन में कितने रुपए उधार दिए मेरे भाई दो हजार पे कितने रुपए उधार दिए गए हैं दो हजार पे अब इन दो हजार पे तो उधार दिए गए हैं

टोटल दस प्रतिशत ब्याज मिल जाएगी और ये किसका होगा दो हजार का दस प्रतिशत प्रतिशत से दो जीरो काटे बीस गुणा में दस यानी दो सौ रुपए का मुझे ब्याज मिल जाएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से ये क्वेश्चन बहुत ही गजब और लाजवाब है ये क्वेश्चन बहुत ही गजब और लाजवाब है लाइक करने में कभी मत छोड़ो ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें बहुत मजा आने वाला है बहुत मजेदार क्वेश्चन देखेंगे देखिए आ जाइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर दिक्कत कहां की रेट होती है वो देख लेते हैं देखो इतने रुपए पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए चार प्रतिशत अगले वर्ष के लिए इतना और तीसरे वर्ष के लिए इतना देखिए अभी तक क्या था अभी तक के जो क्वेश्चन थे उसमें ताजा हाँ पहले साल की रेट चार परसेंट दूसरे साल की चार और तीसरे साल मतलब सभी सेम चल रही थी तो हम क्या करते थे चार और चार आठ और चार बारह इस तरह से जोड़ने की जगह सीधा चार प्रतिशत तीनों साल अगर चार चार चलेगा तो चार बारह प्रतिशत लिख रहे थे पर जो अब क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या है मेरे भाई पैसा जैसे मैंने कह दिया पैसा दिया गया एक हजार रुपये उधार अभी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें रेट जो चलेगी वो रेट मेरे भाई पहले साल दूसरे साल और तीसरे साल क्या चलने वाली अलग अलग पहले साल दूसरे साल और तीसरे साल तीनों साल अलग अलग चलने वाली है जैसे अगर मैं बात करूं पहले साल क्या रेट चलेगी तो पहले साल रेट जैसे मैंने कह दिया तीन परसेंट चल रही है दूसरे साल मेरे भाई मैंने मान लिया पांच परसेंट चल रही है पांच या मान लो आ, दो मान लो दूसरे साल तीसरे साल छह प्रतिशत तो क्या हो गया कोई दिक्कत नहीं है यहां मेरे भाई पहले दूसरे तीसरे साल सेम थी तो भी हम आपस में जोड़ रहे थे अलग है तो भी हम आपस में जोड़ेंगे भैया तीन और दो पांच और छह ग्यारह प्रतिशत यानी जो भी पैसा दिया गया है उसका ग्यारह प्रतिशत ब्याज का मिल जाएगा प्रतिशत से दो जीरो कटेंगे दस गुणा में ग्यारह एक सौ दस रुपए की ब्याज मिल जाएगी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बस यही सेम चीज हम यहां पर करेंगे देखो इतने रुपए उधार दिए गए यानी नाइन टू वन जीरो इतने रुपए उधार दिए गए और इन रुपयों का पहले साल चार फिर साढ़े तीन ढाई तो देखो तीन और दो पांच आधा आधा एक पांच और एक और चार दस प्रतिशत हिस्सा यानी इसका मुझे दस प्रतिशत हिस्सा ब्याज के रूप में मिलेगा ठीक है प्रतिशत से दो जीरो हट जाएंगे नौ सौ इक्कीस रुपये ब्याज ये क्वेश्चन जब पहली बार पूछा गया था तो आधे से ज्यादा बच्चे तो कांप गए थे पेपर आ गया ऐसा तो बहुत सारे क्या नई चीज पूछ ली कि एक प्रतिशा दूसरी तीसरे साल की अलग है बच्चे वो पी इंटू आर इंटू टी अपन हंड्रेड लगा रहे पहले का अलग निकालने दूसरे अलग तीसरे का अलग मास्टर भी अपने आप में वो कंफ्यूज यार जो पहले कौन पढ़ाया करता था हम जैसे तो यहाँ पढ़ाया करते थे दिल्ली में कोई अपने वहां पढ़ रहा है तो वहां पर क्या होता था कि वहीं के के आसपास टीचर होते थे तो वो भी सही पढ़ाते पर अपने का का कोई मेथड लगा लेते थे भाई साहब वो भी बच्चे को बिल्कुल इतना लंबा एक चिट्ठा खोल के देते थे बच्चा कहे भाई सर ने पढ़ाया तो बहुत बड़े इतना लंबा मेथड भैया तो एक लाइन का आंसर है एक लाइन का ठीक है जब तक इस लेवल पर नहीं पहुंचोगे आज का वो नहीं कि आपको कितना बड़ा पेज भरोगे आप कितने कम समय में और कितनी कम जगह लेकर क्योंकि वहां पे तो पेन पेंसिल भी पेज भी तो इतने नहीं मिलते देखो तीन परसेंट साढ़े सात साढ़े चार पहले साल का दूसरे साल का तीसरे साल का सात चार ग्यारह आधा आधा एक बारह बारह और तीन पंद्रह प्रतिशत यानी जो पैसा दिया गया है इसका पंद्रह प्रतिशत हिस्सा ब्याज मिलेगा प्रतिशत से दो जीरो काट दीजिए एक जीरो ये यहाँ पे आ जाए पंद्रह एकम पंद्रह का पांच हासिल एक पंद्रह तीन पैंतालीस छियालीस फोर सिक्स फाइव जीरो ऑप्शन नंबर बी किसी को डाउट अच्छा सारे प्रश्न करा दो सिंपल इंटरेस्ट के टेंस भूल लो तुम आज साधारण ब्याज यहीं खत्म हो जाएगा निपटा देंगे इसे देखो किसी धनराशि पर तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर नौ वर्ष का ब्याज तो मेरे देखिए नौ सत्ताईस यानी जो पैसा दिया गया है उसका सत्ताईस प्रतिशत हिस्सा सात सौ उनतीस रुपए होगा मेरे भाई जो पैसा दिया गया है उसका सत्ताईस प्रतिशत हिस्सा सात सौ उनतीस होगा अब आप एक चीज देखिए प्रतिशत हटाइए नीचे कितना आ जाएगा वैसे हाँ ये तो पूछा जो पैसा दिया गया हाँ प्रतिशत हटाइए नीचे सो आ जाएगा सत्ताइस से मेरे भाई सत्ताइस पे काट दीजिए ठीक है तो प्रिंसिपल कितना आ टू सेवन डबल जीरो और यही हमारा आंसर आ जाएगा यही हमारा आंसर आ जाएगा आ जाओ एक दो क्वेश्चन और करा दो फिर गेम स्टार्ट कर दूंगा बारह बजे से पहले समझ लो गेम बारह बजे से पांच मिनट पहले स्टार्ट कर दूंगा जिससे कि अगली बार बच्चा अपना नेट बचाकर रखेगा मतलब उसको पता होना चाहिए कि सजा यह है उसकी कि वो गेम ही नहीं खेल पाएगा और गेम का रूल आपको पता है जो बच्चा लाइव में होगा यहाँ मौजूद वही बच्चा गेम में जीत हासिल कर पाएगा जो बच्चा यहाँ मौजूद होगा वही ढाई ढाई हजार रुपये जीत पाएगा नहीं तो और कोई नहीं जीत पाएगा ठीक है तो गेम अभी थोड़ी देर में खेलते हैं ठीक है आ जाइए किसी धनराशि पर इतने प्रतिशत तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा चारतीय बारह बारह तीन पंद्रह चार प्रतिशत लिख सकते हैं ठीक है अब इसके हिसाब से दो सही एक बटे तीन साल का देखो कुछ रुपए उधार दिए गए नहीं पता कितने पर उनके ऊपर साल का ब्याज और इसी तरह से चलते चलते लगातार टू वन थ्री तक का ब्याज लिया जाएगा ठीक है तो मेरे पंद्रह बटे चार प्रतिशत मल्टीप्लाई दो तीन छत बटे तीन जब आप सोल्व करोगे तो थ्री फाइव जा फिफ्टीन तो फाइव हंड्रेड थर्टी फाइव परसेंट यानी जो पैसा दिया गया उसका 35 बटे चार प्रतिशत हिस्सा ब्याज का मिल रहा है और वह ब्याज कितनी निकल कर आई दो सौ वह ब्याज कितनी निकल कर आई 210 इससे कितना सिक्स थ्री एटीन सिक्स फाइव हाँ छः गुना ज़्यादा भाई बिल्कुल ठीक है अच्छा एक चीज़ और ये जब प्रतिशत हटेगा ना तो नीचे भी सौ आ जाएगा तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा फोर सिक्स जाए ट्वेंटी फोर चौबीस सौ रुपए और यह हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है गेम खिलाएं चार पांच क्वेश्चन और कर लीजिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए एक बार हाँ भाई इस क्वेश्चन पर आ जाइए एक सेकंड जल्दी से एक सेकंड हाँ भाई देखो देखो आ जाओ सो डे क्या हो गया मेरे भाई सर आई एम बी फैन ऑफ यू सर आपको क्लास देख के ऐसे ऐसे सीजन टॉप किया मैथ में फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे भाई चलो इस बार इसका मतलब एग्जाम जो आ रहा है वो दो अगर इतनी अच्छी मैथ है तो आपकी तो अगर आप अच्छे बच्चे हो आपने तैयारी अच्छी कर रखी है तो आप ये समझ लीजिए किसी वजह से किसी एक जगह का रास्ता बंद हुआ है पर अगर आप लायक हो उस लायक तो बहुत सारे रास्ते और खुले हुए हैं पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इधर से ना मतलब नहीं जा हो पाया कोई मतलब आपके ऊपर आपको शक नहीं है आप टैलेंटेड हो आपने अच्छी मेहनत करी है। आप टॉप भी करा मैथ में ठीक है, है? बट आप किसी कारणवश उधर से नहीं हो पाए ठीक है ये तो कोई दिक्कत नहीं तो और इतने सारी चीजें उनमें जाओ बस अपने आप को हारने नहीं देना ठीक है बस किसी ना किसी उसमें घुस जाओ फिर उसके बाद धीरे 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 क्या होता है कि हर किसी की कहानी ना भगवान अलग अलग तरीके से लिख रहा होता है या कैसे भी मतलब कोई यूं पहुंच जाता है कोई सीधा ही पहुंच जाता है और किसी को टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा चलकर पहुंचना तो वही है लक्ष्य ही तो है जीवन में जीवन क्या है खाना आप खा रहे हो मैं खा रहा हूँ खाना करोड़ सौ करोड़ कमा रहे हो वो भी खा रहा है और खाना हजार करोड़ कमाने वाला भी खा रहा है पर सब किसके लिए खेल रहे हैं अपने अपने लक्ष्य के लिए और लक्ष्य कभी खत्म नहीं होता जिस दिन खत्म होगा या तो हमारी जिंदगी खत्म होती है और अगर हमने अपने लक्ष्य ही खत्म कर लिया भाई एक हमारी कॉन्स्टेबल जॉब लगी या सब इंस्पेक्टर लग गया उसके बाद संतुष्ट हो गए तो ये जिंदगी फिर भी मरे होने के वो है कि होता है कि भाई बिल्कुल खत्म होगा दिमाग से हम सोच ही रहे तब भी आपको भड़क रहेगी तो यह समझ लो कि कोई पहुंच चुका है मंजिल पर मंजिल पर तो पहुंचता ही नहीं कोई सच्चाई तो यह तो ये रास्ता है इस रास्ते में आप ऐसे वैसे ऐसे वैसे चलते ही रहोगे आपकी जॉब लगेगी तब भी आप उसके बाद आप कोई मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीट कर दिया आपने जर्नी आप फिर भी घूमोगे तो ये समझ लो अभी भी घूम ही रहे हैं तो ये तो भैया पूरी जिंदगी आप मेहनत को करनी पड़ेगी अगर वहा नहीं हुआ तो कहीं और होगा पर हंड्रेड होगा अगर आप हो इस लाइफ तो आ जाओ इस क्वेश्चन पर ठीक है पहिया कितनी देर में घुमाओगे ठीक है बताता हूँ देखो मैं तुम्हें बताऊँ कैसे पहिए का क्या चक्कर है देखो मैं जब यहाँ पे आया तो होता क्या है कि टेक्निकल टीम ना यहाँ पे लगाती है कहाँ गया यहाँ पे लगाती है पहिया इस पे अब वो यार पहिया ना मुझसे गलती से डिलीट हुआ है अब वो मैं अभी बाहर गया था यही पूछने गया था भाई कोई जगड़ा है अब वो सो गए सारे सो गए और अब मुझे यूं लग रहा है कि यार कि यार बच्चे कहेंगे कि सर जी पूरी रात निकाल दी तुमने और पहिया निकवाया और मैं थोड़ा सा अब ये कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि कोई जक्के आ जाए मैंने बोल तो दिया है कोई सा आता हो तो अब मुझे लग नहीं रहा कोई यहाँ पर जगके आएगा क्योंकि रात के बारह बजने वाले हैं और मुझे यूँ लग रहा है कि अब मुझे लग रहा है कल मुझे पाँच एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जब जागे तुम वो हो गए कि संतुष्ट हो गए कल एक साथ पांच ये मेरी पेनल्टी होगी मेरे से गलती से कट गया वो शुरू में ही जैसे आया था ना तो मैंने ध्यान दिया मैंने दोबारा लगवा लूँ किसी से अभी इतने देर में तो सोए गए सब जल्दी आ जाओ चलो क्वेश्चन पर अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पर पहले वर्ष के लिए तो जो पैसे दिए गए हैं उस पर पहले साल का रेट ये दूसरे साल का मेरे भाई तीन तीसरे साल का ये तो नौ चार तेरह एक बटे और दो बटे तीन एक और एक चौदह चौदह और तीन सत्रह यानी जो भी पैसा दिया गया उसका सत्रह परसेंट हिस्सा हमारे को ब्याज का मिल रहा है क्वेश्चन कह रहा है वो कितना है वन वन नाइन डबल जीरो ठीक है परसेंट हटेगा नीचे दो जीरो आ जाएंगे सत्रह से मेरे भाई सात पर और प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आज की क्लास को ही रोक नहीं एक बार ना फिर किस्त के और ये जो थोड़ा बच्चा है इसको खत्म करते हैं एक बार ठीक है क्योंकि या फिर इसको खत्म ही कराऊं कितना बचा है एक सेकंड रुको ज्यादा तो नहीं बचा खत्म हो जाएगा ये आ जाओ तेजी से खत्म कराता हूँ फिर हाँ भाई स्पीड में खत्म ही करा देता हूँ हाँ भाई स्पीड में खत्म करा दू अरे भाई इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ पढ़ाने की इस पे खुशी मना लो थोड़ी सी है एक इतने लाल टेढ़े वेढ़े मुंह भेज रहे हो डरा रहे हो तुम मुझे देखो कुछ पैसे उधार दिए गए अब ये नहीं पता कितने उधार दिए गए इनके ऊपर रेट क्या चल रहा है चार तीन सात और पांच बारह बारह और एक तेरह परसेंट तो तेरह परसेंट के हिसाब से जो टोटल रुपए उधार मतलब ब्याज मिली है वो इतनी मिली है प्रतिशत हटेगा नीचे सौ आ जाएगा तेरह से तीन सौ पर जाएगा ये और प्रिंसिपल आ जाएगा मेरे भाई इतना इसको ना ठीक है आज तारीख कौन सी हो गई छठ पूजा किस दिन है छठ पूजा कब से शुरू हो रही है मतलब इसको गलत बोल रहे ना मुझे पता नहीं तो मुझे ये भी नहीं पता होता दिवाली होली ये कब कब आ रही है वैसे पूछा कब से है ये कोई तारीख होती है कैसे होता है क्योंकि ना एक वीडियो बनाऊंगा एक बच्चे ने मुझे निमंत्रण भेजा है ठीक है तो उस बच्चे तक दे पॉज तो पा नहीं रहा तो उस वीडियो से ही मैं थोड़ा सा उसको एक थैंक यू भी कह दूंगा कल उस निमंत्रण पर ऐसा निमंत्रण भेजा वो मैं दिखाना चाहूंगा कब से है छठ पूजा आज से ऐसा होता क्या दो तीन दिन चलती है एक आधी कोई तारीख होती है अच्छा ओके 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 चलो इसको ना ही रोकता मेरे को ना थोड़ा सा मतलब अब मैं राइट पाँच छः मिनट का लूँगा तो भी दिक्कत है ना तो कल करा लेंगे इसको आगे कल मतलब कोई और चैप्टर लेके फिर आगे क्योंकि दो चैप्टर कोई कम्बिनेशन करागे कि इसमें इतना ज़्यादा बचानी है ठीक है किसी दिन किस्त किस्त कराऊंगा ना किस्त वाले इसमें तो फिर सारे के सारे मिक्स करके ठीक है तो इसको दो तीन दिन में एक बार और कल करा दूंगा टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क कल टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस पकड़ लेंगे टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस है ना ठीक है चलो ठीक है मजा आया कि नहीं आया लाइक कर दो जाते-जाते तो लाइक कर दो कैसे सो पाओगे हैं अपनी मोहब्बत को छोड़कर कैसे सो पाओगे बिना लाइक करे अच्छी नींद नहीं आई है बड़े बूड़ों का आशीर्वाद रहना चाहिए तुम्हारे साथ चलो ठीक है बाय लव यू और मेरे भाई किसी को भी कोर्स लेना हो तो टॉप तक पर हमारी ऐप टॉप तक ये आपको पता ही होगा ये हैंग हो गया बेचारा चलते चलते ये रही तो इसी पे बहुत सारी चीज़ें फ्री चीज़ें मिलती है क्यूज होती है क्यूज़ में जो भी फर्स्ट आता है आजकल जो भी फर्स्ट आता है मेरे भाई एक लड़की है वही फर्स्ट आ रही है डेली वही क्यूज़ दे रही है मतलब हैं तो सही हजार एक बच्चे हैं वो देते हैं उनमें से वो बच्चा मतलब वही नंबर वन है तुम में से कोई सा अगर टैलेंटेड सा हो तो आओ टॉप तक ऐप डाउनलोड करो और उस पर क्यूज़ दो देखता हूँ कौन जीतेगा तुम में से ठीक है और रोज रात नौ बजे मेरे साथ मिलना ही मिलना है देखो जैसे ये बच्चे हैं और रोज एक लाख जीतो इनाम डेली आज क्या है व्हील गलती से डिलीट हो गया पर कल मैं आते ही जिताऊंगा कल ना नौ बजे स्टार्ट कर लूंगा क्या करूंगा क्योंकि देखो इसकी पेनल्टी यही हो सकती है कल आते ही नौ बजे गेम खिला दूंगा कल आते ही नौ बजे गेम खिला दूंगा और और सबको तो पता नहीं है तुम्हें पता है तुम नौ बजे आ जाना कल रात हो नौ बजे तो जैसे तुम आओगे जैसे गेम खिला दूंगा तुम में से जीत जाएगा <coughs> तो कल रात नौ बजे चीते आने की जरूरत है? तो है तो ऐप पर जाओ खेल कर अपने आप को विजेता बनाओ और मेरे बहुत सारे कोर्सेज है ऐप पर जाके वो भी ले सकते हो और बहुत सारी चीजें तो रोज रात नौ बजे मेरे साथ मिलो और यूट्यूब पर भी क्योंकि यूट्यूब पर अभी मैं परमोटेशन बारह बजे तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन पॉलिटी वगैरह करा रहा हूँ तो कोई बच्चा अगर कोर्स ले रखा है एस आई वगैरह का तो बारह बजे वाली क्लास ले लेना ऐप पर जो चलती है ठीक है ओके बाय लव यू जय हिंद जय भारत बाय यू अमाउंट निकालना है तो अमाउंट निकाल लेना ठीक है अमाउंट निकालना कोई बड़ी बात है कल बता दूंगा ठीक है